हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमल सिंह, सीएलसी मैथ्स फैकल्टी। तो डीसीएम के पेपर नंबर 18 का सॉल्यूशन देखें, जिसमें टॉपिक है मैथ में कॉनिक सेक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3x plus 4y is equal to 12 root 2 is a tangent to the ellipse x square upon a square plus y square upon 9 is equal to 1/4 sum a belongs to r. So then distance between the foci of the ellipse, तो आपको डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई बताना है। तो देखो, पहले अपने इसको टेंजेंट को फर्स्ट वी राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन दिस फॉर्म, माइनस 3 अपॉन 4 एक्स प्लस, सो वी हैव दिस इज 3 रूट 2। सो इफ दिस इज द टेंजेंट टू द इलिप्स, वी हैव द सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कंडीशन होती है हमारे पास में। तो सी स्क्वायर वी हैव हियर 9 इंटू 2, सो वट इज ए स्क्वायर, वी हैव ए स्क्वायर, वट इज एम, सो वी हैव 9 अपॉन 16 प्लस बी स्क्वायर, सो 9। तो यहाँ से आपके पास में दिस विल बी 9 ए स्क्वायर इंटू 9 अपॉन 16, सो वी हैव हियर दिस इज 9, सो ए स्क्वायर वी हैव इज इक्वल टू 16, सो ए इज इक्वल टू वी हैव 4। सो वट इज द एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी यू विल गेट हियर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सो दैट इज रूट 7 अपॉन 4। सो वट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, फोकाई के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, 2 ए ई, सो दिस इज 2 इंटू 4 रूट 7 अपॉन 4, सो वी हैव 2 रूट 7। तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोकाई इज वी हैव द फर्स्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, इफ द लाइन y इज इक्वल टू mx एंड द एलिप्स 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट P इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इफ द नॉर्मल टू दिस एलिप्स एट पॉइंट P मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस माइनस 1 अपॉन 3 रूट 2 कॉमा 0 एंड 0 बीटा, सो देन बीटा इज इक्वल टू, सो दिस एलिप्स इज ऑफ दिस फॉर्म, ये एलिप्स आपका ऐसे इस फॉर्म का है, ओके। सो देयर इज ए लाइन y इज इक्वल टू mx, लाइन y इज इक्वल टू mx, ओके, एट दिस पॉइंट P देर इज ए नॉर्मल, नॉर्मल ड्रा किया गया विच इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट पॉइंट A एंड x एक्सिस एट पॉइंट B। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट B वी हैव माइनस 1 अपॉन 3 रूट 2 कॉमा 0 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज वी हैव 0 मीटर। सो फर्स्ट वी राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट P, सो वी लेट्स अज्यूम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अपने कैसे लेट कर लेते हैं, सो 1 अपॉन रूट 2 कॉस थीटा साइन थीटा। सो वट इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट एन पॉइंट P, हेयर वी हैव द ए स्क्वेयर एक्स अपॉन एक्स वन, तो बी स्क्वेयर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ऐसा आएगा। तो यहाँ पे सो वी पुट द वैल्यूज ऑफ द एक्स वन एंड वाई वन हेयर, तो यहाँ पे ए स्क्वेयर कितना है आपके पास में, 1 अपॉन 2 है, x यहाँ पे 1 अपॉन रूट 2 कॉस थीटा एंड माइनस दिस इज वाई अपॉन वाई वन, वाई वन भी है हियर साइन थीटा, दिस इज माइनस 1 अपॉन 2। सो ये आपके पास में किस फॉर्म में आएगा, रूट 2 नीचे चला जाए तो x अपॉन रूट 2, x अपॉन रूट 2 कॉस थीटा एंड माइनस y अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन 2। सो पुट द वैल्यू ऑफ दिस नॉर्मल मीट्स द x एक्सिस एट पॉइंट, व्हाट पॉइंट, इस पॉइंट पे मीट कर रहा, तो यहाँ पे अपने क्या है इसकी वैल्यू डालेंगे, तो दिस वी विल गेट हियर माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 2 कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, सो वी हैव कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, कॉस थीटा किसके इक्वल आ रहा आपके पास में, 1 अपॉन 3 के इक्वल आ गया। तो सिमिलरली साइन थीटा की वैल्यू व्हेन इट मीट्स द वाई एक्सिस, सो दैट पॉइंट इज वी हैव द 0 बीटा, सो यहाँ से आपके पास में बीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन 2, सो बीटा इज इक्वल टू वी हैव साइन थीटा, साइन थीटा विल बी हेयर, इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 अपॉन 3, तो साइन थीटा विल बी 2 अपॉन 3, सो हेयर वी हैव 2 रूट 2 अपॉन 3 इंटू 2, सो दिस विल कैंसिल, सो वट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, रूट 2 अपॉन 3, सो आंसर टू क्वेश्चन वी हैव द सेकेंड ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ द लाइन 4x माइनस 7y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट द पैराबोला
at point, intersect the parabola y square is equal to 4x at points A and B. The coordinates of point of intersection of the tangent drawn at A and B. So, what are the points of intersection of the tangent drawn at the ends of where this line intersect the parabola? तो देखो parabola ऐसा है, ये line हो गई, okay? तो ये कहाँ पे intersect करती है इसको? At point A and B. So, at point A और B पे आपके क्या tangent रखे गए? So, इन tangents का point of intersection अपने let कर लेते हैं x और y1. So, this line is the chord of contact of this point with respect to the parabola. तो आपके पास में, what is the equation of chord of contact with respect to the parabola? Okay, of this point. That will be y, y1. So, here we have 2x plus x1. इस form में आएगा. So, 2x minus y, y1 plus 2x1 is equal to 0. So, and this line 4x minus 7y plus 10 is equal to 0. Both represent the same line ko represent karte hain. So, simply you have to compare their coefficients. So, here we have 1 upon 2, this is y1 upon 7 and this we have x1 upon 5. So, you will get here y1 is equal to 7.2 and x1 is equal to we have 5.2. So, coordinates of the point T, 5.2, 7.2. So, which option is correct here? The third option. So, next question. Next question में देखो आपके पास में if any two chords can be drawn through the two points the on the major axis of the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to one equidistant from the center. So then value of इसके value बतानी है अपने को where alpha beta and gamma delta are the eccentric angles of the extremes of the chords. तो देखो आपके पास में just we know that any chord which is intersecting, here the two chords can be drawn through two points, दो points से draw की गई, ठीक है, which are equidistant, suppose करो, which are equidistant at point, so suppose the distance of the, this point where the, this chord intersect, that its major axis, so this is d, 0, ये suppose कर लेते हैं, तो similarly, another chord, this is minus d, so, any two chords can be drawn through the two points. दो अलग-अलग points से हैं, दो अलग-अलग points से हैं, तो आपके पास में on the major axis. तो major axis दो अलग-अलग point हैं, आपके पास में इनके जो distance है, तो ये point ऐसा हो गया, इस तरीके से हो गई. ये एक chord इधर से है और एक chord इधर से हो गई. दोनों का ये distance minus d है, this is d. So their eccentric angle of, this is AB. So iska eccentric angle kya de rakha, alpha beta and this is gamma delta. Clear? As we know that the, what will be the tan alpha by 2, tan beta by 2 for this chord? That will be tan alpha by 2, tan beta by 2. So that will be equal to D minus A upon D plus A. Ek standard result hai. Okay, for this chord, put the d is equal to minus t here. So, you will get here tan gamma by 2, tan delta by 2. Tan delta by 2. Aisa aayega? So, this is d plus a upon d minus a. So, if you take the product of this, inka product lete tan alpha by 2, tan beta by 2. Tan gamma by 2. Tan delta by 2. So, this will be equal to here we have 1. So, answer to this question we have the second option. The next question they gave. The normal at point P to the hyperbola 4x square minus 9y square is equal to 36 intersects its transverse and conjugate axis in M and N respectively. The locus of the middle point of MN is hyperbola. इसे हाइपरबोला ऑफ सेंट्रिसिटी उसके सेंट्रिसिटी बतानी है. तो देखो अब इसमें नॉर्मल है इंटरसेक्ट दी इट्स मेजर एक्सिस एंड इट्स ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस. ठीक है, तो ऐसा है हाइपरबोला. देखो ये
ये आईब्रो को लगा के इस पर नॉर्मल आया किसी एक पॉइंट पे, यहाँ पे नॉर्मल ले लिया, इन दिस इज नॉर्मल विच मीट्स इट्स ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस एट पॉइंट एम एंड एन. सो यू हैव टू फाइंड आउट द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, इसके मिड पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है, ठीक है, दैट इज अ हाइपरबोला. वो हाइपरबोला आपके पास में, तो उसकी सेंट्रिसिटी बतानी है. तो देखो गिवन गिवन हाइपरबोला, गिवन हाइपरबोला से भी एम एक्स स्क्वायर अपॉन 9 वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1. सो लेट्स अज्यूम दिस पॉइंट इज वी हैव 3 sec थीटा एंड 2 tan थीटा, इस फॉर्म में है. सो देन इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट दिस पॉइंट पी, ये पॉइंट पी लेट कर लो. सो हियर वी हैव द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, सो दैट वी हैव 3 x cos थीटा प्लस 2 cot थीटा, 2 y cot थीटा. ओके, सो हियर वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर, सो दैट इज 13. सो यू हैव टू फाइंड आउट द लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ एम एन, तो इसके मिड पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है. तो अपने मिड पॉइंट इसका देखो, सपोज करो हियर हियर वी हैव इट मीट्स द व्हाट कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट एम. सो व्हेन इट इंटरसेक्ट दैट, इसके ट्रांसवर्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा कॉन्जुगेट एक्सिस को. सो पुट हियर वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो पुट किया तो भी है कॉस थीटा, एक्स इज इक्वल टू 13 अपॉन 3 सेक थीटा. ओके ये आ गया, एंड पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एम के कोऑर्डिनेट क्या हुए, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ व्हाट एन. तो आपके पास में एक्स इज इक्वल टू जीरो रखोगे तो एन के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे आपको. सो यहाँ पे दिस इज कॉट थीटा 13 अपॉन 2 कॉट थीटा, सॉरी 10 थीटा ये आएगा. सो लेट्स अज्यूम द मिड पॉइंट ऑफ, इसका मिड पॉइंट क्या लेट कर लेते हैं, लेट एच कोमा के बी द मिड पॉइंट ऑफ एम एन. एम एन का मिड पॉइंट लेट कर लिया मैंने, तो एम एन का जब मिड पॉइंट लेट किया तो आपके पास में जो इसमें सेक्शन फार्मूला लगा देंगे. सो हेयर वी हैव दिस इज एक्स वन प्लस एक्स टू, सो टू एच इज इक्वल टू, वी हैव टू एच इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास में 13 अपॉन 3 sec थीटा. सो दिस यू कैन राइट डाउन हेयर वी हैव 6 एच अपॉन 13 इज इक्वल टू sec थीटा, यहाँ से ये मिल गया. तो सिमिलरली 2k विल बी इक्वल टू व्हाट, 2k इज इक्वल टू वी हैव 13 अपॉन 2 tan थीटा. सो यहाँ से आपके पास से 4k इज इक्वल 4k अपॉन 13 इज इक्वल टू 10 थीटा. ओके, तो इसमें स्क्वेयरिंग एंड स्क्वेयरिंग दिस sec square theta माइनस 10 square theta यू विल गेट द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ एम एन. तो देखो इसमें क्या मिलेगा आपको लोकस, सो वी हैव 36 एस स्क्वेयर अपॉन 169 माइनस, सो हियर वी हैव 16 के स्क्वेयर अपॉन 169, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज एन एलिप्स. सो लोकस क्या आ गया आपके पास में, 36 एक्स स्क्वेयर अपॉन 169 एंड 16 वाई स्क्वेयर अपॉन 169 इज इक्वल टू 1. सो व्हाट इज इट्स एसेंट्रिसिटी, तो इसकी एसेंट्रिसिटी आपके पास में क्या रहेगी, तो 169 तो वो कैंसिल हो जाएगा. तो एक्चुअल में देखें तो इधर आपके पास जो 1 प्लस हियर वी हैव, सो व्हाट विल बी इट्स एसेंट्रिसिटी, बी स्क्वायर वी हैव हियर 169 हियर 36 अपॉन 16 इन दिस फॉर्म यू विल गेट. तो ये आपके पास में आ जाएगा 2 रूट 13, सो हियर वी हैव 52, उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें. सो यहाँ पे 4 आ जाएगा बाहर, सो दिस विल बी हैव रूट 13 अपॉन 2, सो एसेंट्रिसिटी विल बी है रूट 13 अपॉन 2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपके इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एंड हाइपरबोला. तो अपने लेट्स अज्यूम दैट द
slope of the tangent be m. So an equation of the tangent to the circle that will be given as the y is equal to mx plus minus. Here what is the a? A is 3. So under m square plus 1. Yes form mein aa gaya. Now this touches this hyperbola. इस हाइपरबोला का टच करती है तो देखो आपके पास में क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 दैट इज 1. व्हेन दिस इज द टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला सो वी हैव सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो देखो सी स्क्वायर वी हैव हियर 9 एम स्क्वायर प्लस 1 एंड ए स्क्वायर एम स्क्वायर सो हियर वी हैव एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस इज 9. ओके तो यहाँ से आपके पास में क्या आएगा 9 दिस इज 7 एम स्क्वायर वी हैव 7 एम स्क्वायर है इधर से 18 आ जाएगा. सो m इज इक्वल टू वी हैव m की वैल्यू आपके पास में किसके इक्वल आ गई यहाँ पे इसको देखो 3 रूट 2 अपॉन 7 रूट में ये प्लस माइनस आ गया. सो यू कैन राइट ऑन बाई टेकिंग द पॉजिटिव साइन यू कैन राइट ऑन द इक्वेशन ऑफ द व्हाट नॉर्मल. तो यहाँ से नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लो इसमें वैल्यू डालेंगे तो आपके पास में कितना आ रहा है एम की वैल्यू. सो हियर वी हैव सो वाई इज इक्वल टू 3 रूट 2 अपॉन 7 एक्स प्लस का साइन ले लो पहले पॉजिटिव साइन. सो 3 एंड दिस विल बी तो 25 अपॉन व्हाट 7. ओके ये रूट 7 है सो वी हैव हियर 15 रूट 7 y 3 root 2 x plus 15. So answer to this question we have the first option. Okay. So seventh question देखें. The number of values of the c so that this straight line is touches the this curve. ये line इस curve को touch करती है. Then you have to apply the condition of tangency. So see the condition of tangency लगा दो. C square is equal to a square m square plus b square. ओके सो व्हाट इज द सी इज हियर सी इज सी स्क्वायर व्हाट इज ए वी हैव हियर 4 व्हाट इज एम दैट इज 16 एंड व्हाट इज बी 1 सो वी हैव सी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 65 अपॉन 2. सो व्हाट आर द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ द सी दीज आर द टू. नेक्स्ट क्वेश्चन तो एट्थ क्वेश्चन में देखें यहाँ पे क्या है टेंजेंट टू द एलिप्स 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इज कट बाय the tangent at the extremities of the major axis at T and T dash. The circle on T T dash has a diameter passes through the which point? तो ऐसा एलिप्स है ये तो टेंजेंट ड्रॉन किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा किया विच मीट्स हियर द टेंजेंट ड्रॉन एट इट्स वर्टिसेस. ओके सो we take this point P as a its coordinates we take as so equation of the ellipse can be written as in this form. So here we have 4 x square this is y square upon 4 is equal to 1. So this we have x square upon 9 plus y square upon 4 is equal to 1. So this we have यहाँ पे आपके पास में 3 cos theta and 2 sin theta. ये मैंने पॉइंट ले लिया कोई यहाँ. सो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट विल बी हियर सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी क्या आएगा आपके पास में एक्स अपॉन 3 कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1. इसका एलसीएम वगैरह ले लें तो इसको देखो आप सॉल्व करते हैं तो 2x कॉस थीटा एंड प्लस वाई 3y साइन थीटा ओके इज इक्वल टू 6. सो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द टेंजेंट एट वर्टेक्स दैट इज x इज इक्वल टू 3. एक्स इज इक्वल टू 3 रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा वाई इज इक्वल टू वी है 6 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 3 साइन थीटा. तो आपके पास में इसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे तो सिमिलरली आप इसके एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 के निकालेंगे यहाँ पे तो माइनस 3 रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए माइनस 3 एंड 6 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 3 साइन थीटा. ओके तो सिमिलरली इसके कोऑर्डिनेट आपके पास में क्या है 3 6 1 प्लस कोस थीटा एंड अपॉन 3 साइन थीटा. सो नाउ यू हैव टू ड्रा ए सर्कल टेकिंग दिस टी 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 डैश एज ए डायमीटर.
तो इसको डायमीटर लेते हुए सर्कल ड्रा कर देते हैं. सो इक्वेशन ऑफ द सर्कल वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस नाइन प्लस, तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे वाई माइनस क्या आएगा आपके पास में, सिक्स वन प्लस कोस थीटा थ्री साइन थीटा, ऐसा एक ही इंटू में फिर क्या आएगा वाई माइनस सिक्स वन माइनस, इधर आपके पास में एक माइनस में आएगा, ये माइनस का है यहाँ पे माइनस का. ओके सो वन माइनस कोस थीटा अपॉन थ्री साइन थीटा, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो हेयर वी गेट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर. तो जब इसमें प्लस का देखो वाई का टर्म लिखोगे तो आपके पास में कोस थीटा कटेगा यहाँ पे, तो यहाँ से माइनस वाई हेयर भी है, सो इधर वाई इधर ये वाई इधर है ना, तो ये ट्वेल्व वाई आ जाएगा, ट्वेल्व वाई अपॉन भी है थ्री साइन थीटा, कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा ना, तो फिर प्लस प्लस क्या आएगा थर्टी सिक्स भी है हियर एंड वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा नाइन, इस फॉर्म में आ रहा है ठीक है इज इक्वल टू जीरो. तो माइनस नाइन इधर है तो ये आपके पास में माइनस नाइन इधर रह गया, माइनस नाइन इसको सिंपलीफाई किया सो वी आर गेटिंग हेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वेल्व वाई अपॉन थ्री साइन थीटा, सो दिस वी है यहाँ पे आपको क्या मिलेगा माइनस का फाइव. ये आपके पास में किसका इक्वेशन आ गया सर्कल का. नाउ व्हाट इज द फोकस कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स फोकस, इसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास में. देखो एलिप्स के इक्वेशन इसमें देखो ए यू नो ए वी हैव हियर व्हाट वी हैव थ्री. ओके सो व्हाट इज द एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी वी हैव हियर सो वन माइनस फोर अपॉन नाइन, सो दिस वी हैव रूट फाइव अपॉन थ्री, सो फोकाई भी है प्लस माइनस रूट फाइव कोमा जीरो. सो दिस सर्कल विल पास थ्रू दिस पॉइंट, सो दिस सर्कल पास थ्रू द फोकस, ये दिस पॉइंट इज सेटिस्फाइंग, ये सर्कल है ना इसके फोकाई से पास होगा यहाँ से. सो वो दिस पॉइंट्स लाइंग ऑन व्हाट, दिस आर द फोकाई ऑफ द एलिप्स. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव द फर्स्ट ऑप्शन. तो एक प्रॉपर्टी भी होती है ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन टू द एलिप्स इंटरसेक्ट द टेंजेंट्स एट द वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स एंड इफ यू ड्रा ए सर्कल टेकिंग दिस इंटरसेक्टेड पार्ट ऑफ द टेंजेंट बिटवीन द दीज टू टेंजेंट्स दैट सर्कल विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकाई ऑफ द एलिप्स, इसका आप डायरेक्ट भी वैसे बता सकते हो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए टेंजेंट टू द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज प्लस फोर वाई कट्स द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर बी वाई एट ए एंड बी देन लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. तो पहले अपने देखो इसमें दैट कोड एक्ट एज ए दैट कोड इंटरसेक्ट दिस हाइपरबोला दिस पैराबोला सॉरी दैट कोड इंटरसेक्ट दिस पैराबोला एट पॉइंट ए एंड बी, तो उसके मिड पॉइंट का अपने को लोकस फाइंड आउट करना. तो अपने एंड दैट कोड इज टेंजेंट टू दिस पैराबोला, तो अपने लेट कर लेते हैं लेट द मिड पॉइंट ऑफ दैट कोड ए बी वी हैव द एच कोमा के, सो देन इक्वेशन ऑफ द कोड टी इज इक्वल टू एस वन ये लिखेंगे. तो टी इज इक्वल टू एस वन जब इसमें फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास में क्या आएगा, तो मिड पॉइंट क्या लेट कर लिया मैंने एच कोमा के, सो वी हैव एच एक्स एंड टू बी, इसमें फार्मूला लगेगा पहले ये वाला ना, तो माइनस का हो जाएगा सो वाई प्लस के, हियर वी हैव एच स्क्वायर माइनस फोर बी के इस फॉर्म में. सो नाउ दिस इज द टेंजेंट टू व्हाट, वो इस पर टेंजेंट है, तो देखो इस पैराबोला पे टेंजेंट है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई. तो देखो अब इसमें इसको सिंपलीफाई करेंगे अपने, तो देखो कैसा आता है एच एक्स माइनस टू बी वाई माइनस टू बी के, सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस फोर बी के, ऐसा हो गया. तो यहाँ से आपके पास में एच एक्स तो ये प्लस का हो जाएगा टू बी के एंड प्लस एस स्क्वेयर, ये माइनस का एस स्क्वेयर आएगा माइनस का एस स्क्वेयर, सो दिस वी हैव टू बी वाई, सो वाई इज इक्वल टू वी हैव
एच अपॉन टू बी एक्स इस फॉर्म में, एंड दिस वी हैव टू बी के, इसको देखो आप उस तरफ ले गए हैं सबको ना, सो हियर वी हैव, इधर इसको इधर इधर की तरफ लेकर आए, तो माइनस एस स्क्वायर ये टू बी वाई को उधर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम ना, तो ये आपके पास में टू बी के माइनस एस स्क्वायर अपॉन वी हैव टू बी. अब नाउ दिस इज द टेंजेंट टू दिस पैराबोला, सो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द टेंजेंसी, माइनस सी इज इक्वल टू माइनस ए एम स्क्वायर, ये वाली कंडीशन लगाएंगे. सो व्हाट इज द सी, सी इज हियर टू बी के माइनस एस स्क्वायर अपॉन टू बी, इस फॉर्म में व्हाट इज ए, इन केस इन दिस हियर, हियर वी ए माइनस ए, दिस इज प्लस का ए हो गया, एंड व्हाट इज द एम, सो वी हैव एम इज वी हैव एच स्क्वायर अपॉन फोर बी स्क्वायर, ये आपके पास में एच आ गया, यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है तो ये कैंसिल कर दें यहाँ से, सो दिस वी हैव हियर बी कैंसिल, यहाँ से टू कैंसिल. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, आपके पास में क्या लोकस आता है उसको लिख देते हैं, तो देखो इधर क्या आएगा आपके पास में टू टू फोर बी स्क्वायर के, इस फॉर्म में आ गया, और ये इधर टू बी एच स्क्वायर, दिस इज ए एच स्क्वायर, इस फॉर्म में है, सो लोकस भी है ऑब्टेंड हियर, लोकस क्या आ गया आपके पास में ए प्लस टू बी एच स्क्वायर, ओके इज इक्वल टू फोर बी स्क्वायर वाई, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, तो यहाँ से ऑप्शन देखिए आपके पास में क्या आ रहा है, ए प्लस टू बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर बी स्क्वायर वाई, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलिप्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज अ टेंजेंट टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इफ द वन फोकस इज 3 f1 3 7 एंड अदर फोकस इज द f2 d7, सो देन वैल्यू ऑफ अंडरूट 3d इक्वल टू, आपको देखो इसमें देयर इज एन इलिप्स विच इज टेंजेंट टेंजेंट टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऐसा है. अब इसके जो आपके पास से फोकस है वो क्या क्या दे रखे हैं अपने को, सो इन बोथ दी फोकाई भी है द वाई कोऑर्डिनेट इज सेम, इट मीन्स फोकस आर लाइंग ऑन ए लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, सो हियर वी हैव 3 7 एंड दिस इज f2 d7, ओके यू नो द प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द फोकाई टू द टेंजेंट इन एन एलिप्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, सो ये आपके पास में 7 है, दिस इज 7, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी हैव हियर 49, तो सिमिलरली द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम बोथ फोकस f1 एंड f2 ऑन दिस टेंजेंट, इस टेंजेंट पे भी, तो आपके पास में क्या आएगा, सो हियर वी हैव बी स्क्वायर अगेन इज इक्वल टू 3d, सो वी हैव बी इज इक्वल टू अंडरूट 3d, सो दिस विल बी पुट इक्वल टू व्हाट, सो 7, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव द 7. द नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कोर्स, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कोर्स स्टैंडर्ड हाइपरबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा, अल्फा बीटा से पास होती है, इज ए, वो क्या है वो बताना है अपने को, तो अपने हाइपरबोला क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अपने उस कोड का मिड पॉइंट क्या लेट कर लेते हैं, एच कोमा के, तो देखो क्वेश्चन को करेंगे अपने, सो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो लेट द मिड पॉइंट ऑफ द कोड बी एच कोमा के, ये लेट कर लिया, सो देन इक्वेशन ऑफ द कोड वी हैव टी इज इक्वल टू s1, सो दैट वी हैव एच एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू एस स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, ओके सो व्हाट इज द लोकस, लोकस क्या आ गया अपने को, अब देखो इसमें ये एक एस स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एच एक्स अपॉन ए स्क्वेयर इस फॉर्म में आ रहा है, तो फिर इधर
minus k square upon b square, we have plus k y. ये वन तो कैंसिल हो जाएगा, वन तो लगाने की जरूरत नहीं. के वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. तो अब देखो ये एक अपने को हाइपरबोला का इक्वेशन मिल गया. ओके तो हाइपरबोला का इक्वेशन मिला आपको यहाँ पे. तो लोकस भी है हेयर फाउंड हेयर. सो इसमें क्वेश्चन में आपको अल्फा बीटा भी तो दे रखा था, पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट. तो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होता है. तो देखो तो ये एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है ना, तो इसमें वो इस फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने रखेंगे. तो अल्फा बीटा यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर. हियर भी है के स्क्वायर माइनस के वाई अपॉन बी स्क्वायर, दिस इज जीरो. इट पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है ना. तो एक हाइपरबोला का इक्वेशन आ रहा है, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में जब बनाएंगे तो दैट पॉइंट इज अल्फा बीटा. सो लोकस क्या बना फाइनली, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हियर वाई बीटा अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में जब लिखोगे ना आप, सो देयर विल बी सम कांस्टेंट. तो एक्चुअल में यहीं से आप क्या इसका डिफरेंशिएट कर लो with respect to here x assuming y as a constant partial differentiation, you will get the center of the hyperbola. This is hyperbola, so differentiate kiya to you will get here alpha x is equal to alpha upon 2 assuming y as a constant. So similarly differentiating partially with respect to y assuming x as a constant, so we have y is equal to beta upon 2. So this is a hyperbola whose center we have alpha upon 2 beta upon 2. So answer to this question we have. So which option is here? So is a hyperbola. Okay. So then locus of the midpoint of all those chords is hyperbola whose center is alpha upon 2 beta upon 2. Clear? Which passes through a fixed point alpha beta. The next question. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें आपके पास में द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू द कर्व 7x स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर इज इक्वल टू 84 इज 1, मतलब फ्रॉम पॉइंट 1, 2. तो यू नो द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला, दैट इज y इज इक्वल टू mx √a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो सिंपली वो फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे. देखो x स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 12 एंड y स्क्वायर अपॉन we have 7 is equal to 1. So equation of the tangent that will be, we have y is equal to mx plus minus here under 12 m square minus 7. So it passes through which point, 1, 2 से पास हो रहा है, तो इसमें रखेंगे अपने. तो यहाँ से 2, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में minus m, here we have 12 m square minus 7. Squaring करो, you will get here स्क्वेयर, स्क्वेयर किया इसका. सो क्या आ रहा है आपके पास में, एम स्क्वेयर माइनस 4m प्लस 4 एंड 12m स्क्वेयर माइनस 7. सो दिस वी हैव 11m स्क्वेयर प्लस 4m एंड माइनस 11. सो हियर वी आर गेटिंग m1 m2 इज माइनस 1, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट्स वी आर गेटिंग हियर माइनस 1. सो फ्रॉम विच you are getting the here, so angle 90 degree. तो किससे आपको मिलेगा 90 degree, इससे नहीं मिलेगा, इससे नहीं मिल रहा, इससे भी नहीं मिलेगा. आप इसमें अगर फार्मूला लगाते हो, देखो 2 tan inverse, हेयर वी हैर गेट 5/6, तो नीचे आपके पास में 1 - 1/6 आएगा. तो 2 tan inverse वी गेटिंग हेयर 1, सो हेयर वी हैव 5/2. सो ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन भी है थर्ड ऑप्शन था. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इफ द इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द एन एलिप्स, एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको बताना है कि लैम्डा बिलोंग्स टू विच इंटरवल. तो सिंपली देखो पहले आप क्या इसमें से 5 कॉमन ले ले, 5 कॉमन लिया तो क्या आ गया, x माइनस 1/5 होल स्क्वायर एंड y माइनस 2/5 होल स्क्वायर. ओके सो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा
प्लस वन, तो यहाँ से 25 आएगा, तो नीचे आपके पास में यहाँ पे 25 आ गया. सो दिस वी हैव 3x² प्लस 4y माइनस 1 होल स्क्वायर. ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास में x माइनस 1 अपॉन 5 होल स्क्वायर एंड y माइनस 2 अपॉन 5 होल स्क्वायर. सो दिस वी हैव लैम्डा माइनस 1 होल स्क्वायर. होल स्क्वायर आएगा तो इसका मॉडुलस ले लेंगे जब, इफ यू टेक द स्क्वायर रूट दिस इज. सो 3x प्लस 4y माइनस 1, सो वी आर टेकिंग स्क्वायर रूट, सो दिस विल बी 5 एंड मॉडुलस. सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द व्हाट, एलिप्स कब रिप्रेजेंट करेगी, तो लैम्डा माइनस 1 हियर, मॉडुलस लेस देन 0 एंड 1. सो वी हैव हियर, तो ये माइनस 1 और 1 के बीच में रहेगा यहाँ पे. ओके, ये तो इसमें आपके पास में ये रहेगा, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो लैम्डा वेरीज फ्रॉम व्हाट, 0 टू 2. ओके, बट लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये 1 के इक्वल भी नहीं आएगा, ठीक है ना. तो यहाँ पे आपके पास में लैम्डा क्या है, 1 भी नहीं हो सकता, क्लियर है. यहाँ पे लैम्डा वेरीज फ्रॉम हेयर 0 टू 2 बट एक्सक्लूडिंग 1, तो ये आपके पास में एसेंट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये 0 नहीं हो सकता बिकॉज इट इज बिकमिंग हेयर 0 एट व्हाट, लैम्डा इज इक्वल टू 2, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो नॉट इक्वल टू 0. सो हेयर लैम्डा बिलोंग्स टू व्हाट, 0 टू 2 एक्सक्लूडिंग 1. सो विच वी हैव ऑप्शन, तो सेकेंड ऑप्शन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. सो पी ए sec थीटा बी tan थीटा एंड ए sec phi बी tan phi आर द टू पॉइंट्स ऑन द हाइपरबोला वेयर थीटा प्लस phi इज इक्वल टू पाई बाई टू इफ नॉर्मल सेट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एच के. किस पर इंटरसेक्ट करते हैं, एट पॉइंट एच एंड के, तो देन के इज, तो के की वैल्यू बताना. सो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट दिस पॉइंट दैट विल बी हेयर ए एक्स कोस थीटा प्लस बी वाई कोट थीटा इज इक्वल टू, वी हैव हेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. सो फर्दर देयर इज ए रिलेशन बिटवीन द एसेंट्रिक एंगल्स ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू, थीटा प्लस वाई इज इक्वल टू. सो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट क्यू, सो हेयर वी हैव थीटा की जगह आप यहाँ पे फाई आएगा, फाई की जगह आप क्या लिखोगे, पाई बाई टू माइनस. सो एट क्यू, क्यू पे क्या आ रहा है आपके पास में, ए एक्स कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, बी वाई एंड कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा, ऐसा हुआ इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, इस फॉर्म में आ रहा है. तो इसको देखो आपके पास में ए एक्स वी हैव हियर साइन थीटा एंड दिस वी हैव बी वाई टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. इस फॉर्म में दीज टू नॉर्मल्स आर इंटरसेक्टिंग एट व्हाट पॉइंट, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं अपने, पॉइंट एच को के पे. तो अपने को के का इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालना है सिंपल आपको. तो देखो इसको वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लो. सो हेयर वी आर गेटिंग हेयर, इधर इससे आपको क्या मिलेगा, देखो ए ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एंड इन टू कॉस थीटा, ये आएगा ठीक है, माइनस का मिलेगा जो भी इधर आएगा, तो माइनस का. अब ये वाला आपके पास में क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा उधर, जब माइनस का लाओगे तो इधर, तो आपके पास में क्या आया, ए साइन थीटा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, वाई कोऑर्डिनेट की, यानी के की वैल्यू बात कर रहे हैं अपने. तो यहाँ पे वाई क्या आएगा, के कोऑर्डिनेट, मतलब ये वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट. अब अपने पास में देखो यहाँ पे कॉन्स्टेंट के नीचे क्या आएगा, कॉन्स्टेंट में यहाँ पे ए ए बी टेन थीटा, सो हियर वी हैव ए बी टेन थीटा कॉस थीटा माइनस वी आर गेटिंग हेयर ए बी ए बी कॉट थीटा साइन थीटा. तो यहां से आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, देखो इसमें से देखो कॉस थीटा कटेगा तो ए बी साइन थीटा, तो इस फॉर्म में रहेगा ये. देखो वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, सो वाई वी हैव हियर, सो व्हाट इज द कॉमन हियर, वी हैव
सो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ऐसा आ रहा है. सो माइनस ए कोस थीटा प्लस ए साइन थीटा, ए कॉमन आ रहा है ना यहाँ से, तो कोई बात नहीं यहाँ से ए कॉमन ले लो, ये ए ठीक है, प्लस साइन थीटा इस फॉर्म में आ गया. ठीक है, अब नीचे देखो आपके पास में क्या आ रहा है, ए बी, ए बी वी हैव साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आएगा. तो देखो यहाँ से कुछ नेगेटिव आएगा आपके पास में, हियर वी गेटिंग नेगेटिव, तो ए से ए कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो आपके पास में नेगेटिव आ रहा है. सो के विल बी हियर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन बी. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर वी हैव, तो फोर्थ ऑप्शन. तो वैल्यू ऑफ के इज वी है हियर माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन बी. ओके बेटा, 15th क्वेश्चन देखें, 15th अब इसमें 15th क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज अलोंग द वाई इज इक्वल टू एक्स एंड इट्स फोकस एंड वर्टेक्स आर एट ए डिस्टेंस टू रूट टू. तो फोकस है और इसके वर्टेक्स क्या है, किस डिस्टेंस पे आपके पास में, टू रूट टू एंड रूट टू रिस्पेक्टिवली. सो फ्रॉम द ओरिजिन इफ द वर्टेक्स एंड फोकस आर लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं वर्टेक्स एंड फोकस. सो देन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, तो एक पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, तो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फोकस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ व्हाट, टू रूट टू फ्रॉम द ओरिजिन ऑन विच लाइन, वाई इज इक्वल टू एक्स पे, वाई इज इक्वल टू एक्स पे देखो ऐसा है, ये हो गई लाइन, तो कितने डिस्टेंस पे है यहाँ पे, टू रूट टू, तो एक्चुअल में ये टू होगा, ये टू होगा. सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, वी हैव हियर टू टू एंड नाउ वर्टेक्स इज एट ए डिस्टेंस व्हाट, रूट टू, तो रूट टू है ये वर्टेक्स आपका ए हो गया, तो ये वन वन हो गया यहाँ से वन वन, तो पैराबोला विल बी ऑन द साइड विच इज कंटेनिंग द फोकस, पैराबोला विल बी ऑफ दिस शेप, इस टाइप का होगा. ओके सो वी हैव अप्लाई द हेयर फॉर्मूला हेयर, सो वी हैव टू फाइंड आउट द टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टेंजेंट वी हैव वन वन, which will be, this will be the directrix that will pass through the which point, origin, तो ये origin से pass होगी, तो इस equation we have x plus y is equal to 0, so equation of the tangent at vertex which is parallel to the directrix at this point, the directrix parallel to the directrix, so equation of the this will be here x plus y minus 2 is equal to 0, वो कौन से formula से x plus y minus k is equal to 0, it passes through which point 1 1, 1 1 से pass हो रहा है. So what is the equation of the tangent at vertex? So we apply here this form. P m square is equal to 4APN. So you know what is the PM, the distance of the point P from the axis of the parabola. Square of the distance of the point P from the axis of the parabola. What is PN? The distance of point P from the tangent at vertex. So tangent vertex you know the here x plus y. So we have its equation is x minus y perpendicular distance upon root 2 square. Here we have what is a? A is nothing. This is the distance between the what? Focus and vertex. This is root 2. ये root 2 हो गया आपके पास में. And what is the PN? PN is the distance of point P from the tangent at vertex. So we have x plus y upon root 2. Okay, तो ये root 2 cancel हो गया. तो आपके पास में x माइनस वाई, तो टेंजेंट एट वर्टेक्स हियर भी है माइनस टू ऑल्सो, तो यहाँ से ये कितना बन गया, एट एक्स प्लस वाई माइनस टू. सो वी है ये एक्स प्लस वाई माइनस टू है यहाँ पे, सो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर एट एक्स प्लस वाई माइनस टू, सो दिस वी है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट. ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंटीजर टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास में, तो नेक्स्ट फाइव क्वेश्चंस क्या इंटीजर टाइप के क्वेश्चन है. तो क्या इफ डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ एन एलिप्स इज 6 एंड डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स इज 12, सो डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई यू नो ए ई इज इक्वल टू 6, सो ए ई इज इक्वल टू 3 इस फॉर्म में आ गया, एंड डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स
2a/e = 12, ये गिवन है। तो यहाँ से आपके पास में भी है, तो a और e से यहाँ से क्या है, देन लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, तो यहाँ से e की वैल्यू निकाल लो या तो, ठीक है ना। तो यहाँ से a = 3/e, तो a की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, 6/e² वी है 12, सो e = 1/√2। सो e की वैल्यू जब आपके पास में 1/√2 आ गई, सो व्हाट इज a, a वी हैव 3√2, सो b यू कैन फाइंड आउट b² = a² 1 - e²। तो यहाँ से आपके पास में ये आ जाएगा 18, सो हियर वी हैव दिस 1/2, सो b² = 9। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एल आर 2b² / a, सो दिस इज 2b², दैट इज 9/a, सो दिस इज 3√2, सो दिस भी है 3 एंड दिस इज रूट 2, सो 3√2, सो 3√2, सो ये टू टेल द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, दैट इज 5, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ e1 एंड e2 आर द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स x² / 18 + y² / 4 = 1 एंड द हाइपरबोला x² / 9 - y² / 4 = 1 रिस्पेक्टिवली, e1 e2 इज अ पॉइंट लाइज ऑन द e1 e2 क्या इस पे लाई करता है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। तो देखो सिंपल है, इसकी एसेंट्रिसिटी क्या आएगी, व्हाट इज द इट्स एसेंट्रिसिटी, दैट इज e1 वी हैव व्हाट 1 - 4/18, सो दिस इज 14 / 18 इस फॉर्म में आ रहा है, तो इसको आप और सिंप्लीफाई कर लो, 7/9, सो √7/3 ये आ रहा है e1। तो नेक्स्ट वन हियर, सो हियर e2 वी हैव हियर 1 - 1 + 4/9, ओके, सो दिस वी हैव √13/3, सो विच पॉइंट √7/3 एंड √13/3, दिस पॉइंट ये पॉइंट है लाइक करता है किस पे, इस पे। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास में 15 × 7 + 3 × 13/9 = k, सो दिस इज 105 + 39, सो वी हैव हियर k = 16, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव 16, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो थर्ड क्वेश्चन में देखें यहां पे क्या आपके पास में, k वेरीज फ्रॉम 0 to 6, द ग्राफ ऑफ द इलिप्स, इन दोनों के आपके पास में ग्राफ है, दे आर गिवन इन दिस फॉर्म, दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट b एंड d, ओके, एंड एट पॉइंट a एंड c, सो ए बी सी डी इज ए स्क्वेयर, देन द वैल्यू ऑफ के एक्सप्रेस इन द लोएस्ट टर्म। तो यहाँ पे आपके पास में देखो, पहले दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट x - k² / 9 = x² / 9, ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास में, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास में k/2, तो a का x कोऑर्डिनेट क्या आ गया k/2 आ गया, पुट हियर x = k/2, सो व्हाट इज द y, y विल बी गेट, यू विल गेट हियर 1 - k² / 36, ऐसा आएगा। तो हमें किसके कोऑर्डिनेट पता लग गए, a के कोऑर्डिनेट पता लग गए, दीज आर दी, एंड नाउ व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट d एंड b, तो d के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपके पास में पुट हियर y = 0, यू विल गेट हियर 3, 0, एंड फॉर द x कोऑर्डिनेट ऑफ b पुट हियर y = 0, इसमें जब आप ये 0 रखोगे सो हियर यू विल गेट 9, सो x = k - 3, एक k+3 मिलेगा, इसके कोऑर्डिनेट k+3 होंगे, तो b के कोऑर्डिनेट आपके पास में क्या आ गए k - 3, 0, सो अप्लाई द हियर यू नो द ab² + ad² वी हैव = bd² वाई, बिकॉज दिस इज स्क्वेयर, सो यू नो ab² and ad² they are equal, you can write down the twice of ad²
twice of AD square is equal to BD square. So what is the AD square? Coordinates of A, you know, these are x coordinate k by 2 and y coordinate. So simply you have to apply here formula. So 2 into kya aayega aapke paas mein k by 2 minus 3 whole square plus, to square hai to aapke paas se root nahi lagega, theek hai. To isme aapke paas mein to iska square aayega fir aapke paas mein yahan pe ye y coordinate hai. So this we get here 1 minus k square upon 36, okay. Ye equal to what? ये सारा किसके इक्वल आएगा आपके पास में? बी डी स्क्वायर के. बी डी वी हैव हेयर, तो बी डी आपके पास बी के कोऑर्डिनेट, यू नो, सो दिस इज के माइनस सिक्स होल स्क्वायर. तो ये आपके पास में किसके इक्वल आएगा? के माइनस सिक्स होल स्क्वायर के. इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट के इज इक्वल टू वी हैव 24 अपॉन 5. तो के की वैल्यू आपके पास में 24 अपॉन 5 आएगी. सो व्हाट इज ए? सो दिस इज इन द लोएस्ट टर्म, दिस इज एक्सप्रेशन इन लोएस्ट टर्म, ठीक है. तो ए इज 24, लोएस्ट टर्म का मतलब देयर एचसीएफ मस्ट बी 1. सो 24, ए इज 24, बी इज 5. सो हियर वी आर 29, सो आंसर 29 माइनस 20 दैट इज 9. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव 9. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहां पे आपके पास में. इफ एफ वन एफ टू बी द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकाई ऑफ एस वन एंड एस टू ऑफ एन इलिप्स on the tangent any point on the ellipse. So simply you have to apply the formula here, here property of the ellipse. The product of the perpendicular drawn from the foci, so from the foci f1 f2 be the feet of the perpendicular. So you just simply you have to apply the property of the ellipse. So product of the perpendicular drawn from the foci on any tangent that is equal to b square. Kiske equal aayega? B square ke equal aayega. So we have the product there will be equal to 3. So answer to this question we have 3. Next question dekhen. A focal point PQ is drawn to the parabola. Y square is equal to 4ax which makes an angle phi, or you can say sec phi is equal to 2 with the axis. If S is the focus and PS is equal to cot square theta SQ, then find the number of values of theta in the interval. तो आपके पास में देखो ये, this is the parabola and this is the focal cot and this is S, this is Q. So we take its coordinate, we have 80 square 280. So you know the coordinates, there is a relation between the parameters of point P and Q. T1 T2 is equal to minus 1. So its coordinates we take as a upon t square and minus 280. Okay, so simply you have to apply here the, so what will be its slope? So isme question mein according to question we are given to you here. So phi is equal to, yani sec phi is equal to 2. So from here you can find out the tan theta. So PS, you know, PS is equal to किसके बराबर आएगा आपके पास में? PS is equal to B, that is the distance between them. So here this is a comma 0. Okay, the distance of the point P from the focus is equal to the distance of point P from its directrix. So directrix, you know, that is x plus a is equal to 0. तो आपको simple आपके पास में PS is equal to क्या आएगा आपके पास में? So this is a 1 plus t square. ओके, तो सिंपली यहां से फिर आपके पास में व्हाट इज एस क्यू? एस क्यू, यू नो, तो दैट इज इक्वल टू वी हैव यहां पे फिर सिंपल क्या करेंगे? ए 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर. तो यहां पे इधर क्या आएगा आपके पास से? पी एस, यू नो, एंड दिस वी हैव 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर एस क्यू. तो यहां पे एस क्यू और पी एस की वैल्यू डालेंगे तो आपके पास में दिस पार्ट विल कैंसिल कैंसिल. सो वी हैव टी स्क्वायर इज इक्वल टू cot square theta. तो t square we have cot square theta. ये हमारे पास में आ गया. So now what is the slope of? तो इसका अपने पास में slope क्या है? Slope of the cot PQ. So slope इसका लिखोगे तो आपके पास में MPQ. So this will be equal to what we have? So 2a common. तो इधर से 2a upon t आएगा. 2a upon t.
सो दिस वे हैव टी प्लस वन अपॉन टी. ओके, नीचे आपके पास में क्या आ रहा है इधर, तो सिंपली इसको आप सिंपलीफाई करोगे तो क्या आएगा, किसके बराबर आएगा. सो दिस वी हैव हेयर ए टी स्क्वेयर माइनस वन अपॉन टी स्क्वेयर, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, इधर क्या आएगा टू अपॉन वी हैव हेयर, तो टी माइनस वन अपॉन टी. ओके, पी क्यू इस फॉर्म में आ रहा है, तो ये आपके पास में किसके इक्वल है. सो यू कैन फाइंड आउट टेन थीटा फ्रॉम हेयर. सो टेन थीटा दिस इज टू, दिस इज टू, दिस इज वन, एंड टेन थीटा विल बी हेयर, यू विल गेट दिस वी हैव रूट. तो यू नो sec phi इज इक्वल टू टू वेयर दिस इज sec 60, मतलब phi इज 60, सो दिस इज रूट थ्री. सो टेन दिस विल बी इक्वल टू हेयर रूट थ्री. तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे इस इक्वेशन को, क्या बन गया आपके पास में, तो टी टू टी इज इक्वल टू रूट थ्री टी स्क्वेयर, ऐसा ही आएगा, माइनस रूट थ्री. इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे रूट थ्री टी स्क्वेयर माइनस टू टी माइनस रूट थ्री इक्वल टू जीरो, ऐसा आ रहा है. इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो किस तरीके से रहेगा. सो थ्री टी स्क्वेयर, थ्री टी स्क्वेयर माइनस इसके फैक्टर कर लो रूट थ्री, तो रूट इसके क्या आएंगे थ्री टी स्क्वेयर, थ्री टी प्लस टी माइनस रूट थ्री, ये इसके फैक्टर बन गए. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, टी इज हियर वी हैव, टी किसके इक्वल आ रहा है आपके पास में यहाँ पे, सो रूट थ्री टी एंड दिस इज टी माइनस रूट थ्री, दिस इज वन. सो टी इज इक्वल टू वी हैव आर गेटिंग हेयर माइनस वन अपॉन रूट थ्री रूट थ्री. सो यू नो कॉट स्क्वेयर थीटा, कॉट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, दिस इज थ्री एंड वन अपॉन थ्री, ऐसा आ रहा है. तो कॉट स्क्वेयर थीटा वी हैव इक्वल टू वट टी स्क्वेयर, तो यहाँ से आपके पास में कॉट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वी हैव थ्री वन अपॉन थ्री. सो कॉट थीटा वी हैव हेयर प्लस माइनस रूट थ्री एंड प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री. सो यू नो कॉट थीटा इज पॉजिटिव इन टू क्वाड्रेंट एंड नेगेटिव इन टू क्वाड्रेंट. यहाँ से आपको चार सॉल्यूशन मिलेंगे, इससे भी चार सॉल्यूशन मिलेंगे. सो व्हाट आर द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा विच लाइज इन दिस इंटरवल, दीज आर एट. ओके, तो ये बेटा जेई मेन के पेपर का सॉल्यूशन है. अब एडवांस के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे. तो बेटा अब अपने क्या है एडवांस के पेपर का सॉल्यूशन करते हैं, जिसमें पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ क्या है आपके पास में, लेट द टू फोकाई ऑफ एन एलिप्स बी एफ वन माइनस वन कोमा जीरो एफ टू थ्री कोमा फोर, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द फोकस एफ टू थ्री कोमा फोर अपॉन ए टेंजेंट टू द एलिप्स एम फोर. सो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द फोकस थ्री कोमा फोर, क्लियर, ऑन द टेंजेंट वी हैव एम फोर कोमा सिक्स. तो अपने ये कोऑर्डिनेट पहले इधर लिख के रख लेते हैं, ठीक है. एफ टू वी हैव सो थ्री कोमा फोर, एंड वट इज एम, एम वी हैव फोर कोमा सिक्स. ओके, सो क्वेश्चन क्या है आपके पास में, यू हैव टू टेल द इक्वेशन ऑफ द एक्सेलरेटेड सर्कल ऑफ द एलिप्स. सो फॉर द इक्वेशन ऑफ द एक्सेलरेटेड सर्कल, सो यू नो द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द फोकस टू द टेंजेंट ऑलवेज लाइज ऑन द वट, किस पे लाइज करता है हमेशा, that lies on the axillary circle. Okay, so we draw a rough diagram draw कर लेते हैं यहाँ से. ये आपके पास में एक tangent है, so from the focus F2 we draw perpendicular here, so foot of the perpendicular we have here 4.6. okay, now what is the center of the ellipse, so midpoint of F1 F2, so center of the ellipse we take here C. सी ले लेते हैं, व्हाट इज द सेंटर ऑफ द एलिप्स वी है हियर, तो दिस इज मिड पॉइंट वन, दिस इज वन कोमा टू. सो नाउ व्हाट इज द रेडियस, सो यू कैन राइट डाउन द इट्स रेडियस, रेडियस विल बी सी एम, सो रेडियस विल बी हियर वी हैव, सो डिस्टेंस बिटवीन दिस वन कोमा टू, सो हियर वी हैव द रेडियस इज फाइव. सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द एक्सेलरी सर्कल, एक्सेलरी सर्कल का इक्वेशन आपके पास में क्या आ गया, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू होल स्क्वायर एंड फाइव स्क्वेयर. इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई माइनस ट्वेंटी. सो इक्वेशन ऑफ द एक्सेलरेटेड सर्कल वी हैव हियर दिस ऑप्शन. तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या पूछा है इसमें. तो नेक्स्ट पार्ट में देखो यहाँ से इक्वेशन ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द एलिप्स आर, सो यू हैव टू टेल द इक्वेशन ऑफ द
डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द एलिप्स आर. तो इसके लिए अपने को यहाँ से फॉर द फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द एलिप्स, सो अपने को, सो हियर भी है, दिस इज सेंटर, फोकाई विल बी हियर, क्या फोकाई आपके पास में था, यहाँ पे माइनस वन कोमा जीरो. ओके, तो इसमें पहले आप क्या करोगे, एक्सेस ऑफ द, सो इफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सेस ऑफ द एलिप्स, सो दैट कैन यू फाइंड आउट फ्रॉम हियर, वाई माइनस जीरो एंड फोर, दिस वन एक्स प्लस वन. ओके, सो दिस वी गिव द एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. यू नो द डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वट, द मेजर एक्सेस ऑफ द एलिप्स. तो नाउ यू नो दिस इज, वी हैव एलिप्स एंड दिस इज द टेंजेंट. ओके, नाउ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द फोकस एफ टू, दैट इज एम फोर कॉमा सिक्स. सो डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोकाई वी हैव, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोकाई वी हैव टू ए ई, वो फाइंड आउट करेंगे पहले अपने. यहां पर देखो एफ वन एफ टू. तो अब अपने टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द एफ टू एम, लाइन ज्वाइनिंग द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड फोकस. सो इजिली यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ओके, तो अब इसमें देखो आपके पास में क्या आएगा, टू ए ई. सो वी हैव हेयर द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज, वी हैव हेयर दिस इज रूट 16, तो रूट 32 आ रहा है ना, सो फोर रूट टू आ रहा है, फोर रूट टू. सो दिस इज ए ई वी हैव हेयर टू रूट टू. ओके, तो सिंपली वी हैव हेयर बी स्केयर इज इक्वल टू, यू नो बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस ए स्केयर ई स्केयर. तो यहाँ पे पुट करेंगे इसकी वैल्यू, तो बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस एट. अब अपने को, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट, एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पी को लेट कर लेते हैं. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ एफ टू एम की इक्वेशन निकाल लेते हैं, लाइन ज्वाइनिंग द फोकस एंड दिस पॉइंट एम, इससे तो क्या बनेगा इक्वेशन, देखो यहाँ से वाई माइनस, हियर वी हैव फोर एंड दिस वी हैव टू अपॉन वन, एक्स माइनस वी हैव हियर माइनस थ्री. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ रहा है, टू एक्स माइनस वाई, ओके माइनस सिक्स, दिस माइनस टू इज इक्वल टू जीरो. सो ये आपके पास में इक्वेशन आ गई, किसकी, इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द एफ टू एंड एम, लाइन परपेंडिकुलर टू इट पासिंग थ्रू द 4,6, दैट विल बी हियर एक्स प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई, सो विच पास थ्रू दिस पॉइंट्स एंड वी हैव हियर दिस इज 4 and 12, फोर एंड ट्वेल्व, सो वी हैव माइनस 16. ओके, तो नाउ फुट वी विल फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम बोथ द फोकाई ऑन दिस टेंजेंट, दैट विल बी बी स्क्वायर. वो किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर के इक्वल होगा. तो देखें, तो फोकाई यू नो बोथ दिस, सो बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू फुट ऑफ द, सो प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम बोथ द फोकाई ऑन दिस टेंजेंट, सो वी हैव हेयर माइनस वन, सो दिस माइनस 16, इस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, अपॉन रूट फाइव इंटू, सो इससे आपके पास में क्या मिलेगा, 3 प्लस 8 माइनस 16 अपॉन रूट फाइव. सो हियर वी हैव दिस 11 माइनस 5, सो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी हैव हियर 17. सो बी स्क्वायर आपके पास में क्या आ रहा है, 17 आ रहा है. सो व्हाट इज द ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यू कैन फाइंड आउट हियर 25. ओके, नाउ यू कैन राइट डाउन, सो सेंटर ऑफ द दिस एलिप्स वी हैव, सेंटर ऑफ द एलिप्स वी हैव हियर, दैट इज 1,2, सेंटर वी हैव 1,2. सो डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, सो द एक्सेस ऑफ द, एक्सेस ऑफ द पैराबोला, एक्सेस ऑफ द एलिप्स, सॉरी, सो इक्वेशन ऑफ द एक्सेस ऑफ द एलिप्स वी हैव हियर. तो आपके पास में इक्वेशन ऑफ द एक्सेस वी हैव हियर, दिस इज एक्स माइनस वाई प्लस वन, इसके परपेंडिकुलर होगी एंड विच पास थ्रू एट वट पॉइंट, एट अ डिस्टेंस ए कॉमा ए अपॉन ई फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स. ओके,
तो आपके पास में देखो, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स लाइंग एट अ डिस्टेंस ए अपॉन ई फ्रॉम दिस सेंटर 1, 2। ओके, तो आपके पास में देखो, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? सो वी हैव टेन थीटा इज इक्वल टू 1। सो यू हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट लाइंग एट अ डिस्टेंस व्हाट, कितने, ए अपॉन ई। सो व्हाट इज द ए अपॉन ई? सो ए अपॉन ई वी हैव ई, तो आपके पास में सेंट्रिसिटी, यहाँ से आपके पास में सेंट्रिसिटी भी आ जाएगी। सो ई वी हैव इक्वल टू व्हाट? सो 1 - 17/25। सो दिस वी हैव 8√2 एंड अपॉन 5। सो दिस इज एसेंट्रिसिटी। सो व्हाट इज द ए अपॉन ई? सो ए वी हैव यहाँ पे 5 एंड व्हाट इज द ई? दिस इज 2√2 अपॉन 5। क्लियर है? सो दिस वी हैव 25/2√2। ओके, सो आपके पास में इस डिस्टेंस पे 25/2√2 डिस्टेंस पे आपको पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो वो देखो, आपके पास से पैरामेट्रिक फॉर्म में निकालेंगे। सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दोज पॉइंट्स? तो देखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट विल बी हियर 1 ± वी हैव दिस डिस्टेंस 25/2√2 इनटू cos थीटा। सो वी हैव 10 थीटा फॉर दिस लाइन, वी हैव 10 थीटा कितना था आपके पास में? सो वी हैव 1, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो हियर cos थीटा आएगा आपके पास में। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा? सो दिस पॉइंट इज 2 ± 25/2√2 साइन थीटा। सो व्हाट आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट? इसके एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने पता लग जाए तो आपके पास में क्या आएगा? जैसे प्लस का ले लिया हमने, तो यहाँ से ये 2 हो जाएगा, तो ये 1/√2। सो दिस वी हैव हियर, यहाँ पे आपके पास से 4 आ जाएगा, 29/4। एंड दिस वी हैव, यहाँ पे आपके पास में किस फॉर्म में आएगा? ये 4 आ जाएगा। सो दिस इज 8, 33/4। सो व्हाट आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन पॉइंट हियर? सो दिस इज 29/4, 33/4। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन? एंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन वी नो x - y + 1। इसका इक्वेशन हमें पता है इस लाइन का। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स? डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा? थोड़ा सा लेंथी जरूर है, तो देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी है, इसके परपेंडिकुलर x + y। सो विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट? इस पॉइंट से पास होगी ना, तो आपके पास में k की वैल्यू, इसका सम कितना आ रहा है आपके पास में? हियर वी हैव सम, सो दिस इज 2, 62/4 इज इक्वल टू 0। सो वी हैव इक्वेशन ऑफ वन डायरेक्ट्रिक्स, वी हैव 31/2। तो थोड़ा सा ऑप्शन को देखो, आपके पास में ऑप्शन में कहीं ऐसा है क्या? सो फोर्थ ऑप्शन वी आर हैविंग, फोर्थ ऑप्शन में आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन में आपके पास में x + y - 31/2 आ रहा है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है फोर्थ ऑप्शन। तो सेकेंड, सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स, तो बाय यूजिंग द 1 - 25/4। ओके, तो उससे भी आप निकाल लोगे, तो यू विल गेट द सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मोर देन वन के क्वेश्चन है, तो देखो उसमें आंसर एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो क्वेश्चन देखें, पहला क्या है? सो अल्फा बीटा आर द सेंट्रिक एंगल्स ऑफ द एंड्स ऑफ द फोकल कोड, फोकल कोड है, देन एसेंट्रिक एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्सिस। सो एसेंट्रिक एंगल ऑफ द कोड्स वी हैव द अल्फा बीटा, तो ऐसा आपके पास में देखो, दैट इज फोकल कोड पासिंग थ्रू व्हाट? AE, 0, इससे पास हो रही है, तो इसके एसेंट्रिक एंगल क्या है? अल्फा और बीटा। ओके, सो यू कैन राइट डाउन द फर्स्ट वी राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द कोड PQ। सो दैट इज गिवन बाय द x / a cos α + β/2। इक्वेशन ऑफ द कोड PQ हुज एसेंट्रिक एंगल्स एंड्स ऑफ द एसेंट्रिक एंगल ऑफ द एंड्स आर अल्फा बीटा। सो y / b एंड साइन α + β/2। सो हियर वी हैव cos α - β/2। ओके, सो दिस कोड पासेस थ्रू विच पॉइंट? AE, 0, किससे पास होती है? AE, 0 से पास होती है, तो इसमें रखेंगे वी हैव e cos α + β/2। ए ए कैंसिल हो जाएगा,
दिस विल बी जीरो, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू. ओके, सो दिस यू फर्दर कैन राइट ऑन कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू, अपॉन में कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू. ओके, तो आपके पास में इस फॉर्म में आ गया. तो अब इसमें मैं देखो नीचे साइन ए प्लस बी का फार्मूला बना लेता हूं. तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं अपने, टू साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू. तो नीचे भी इधर क्या करोगे, साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू. ओके, टू से मल्टीप्लाई कर दिया. सो हेयर वी हैव न्यूमरेटर भी है, किसका फार्मूला लगा हुआ, साइन सी प्लस साइन डी का. तो ये आपके पास में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इस फॉर्म में आ रहा है. तो नीचे आपके पास में किसका फार्मूला बनेगा, तो साइन ए प्लस बी, यानी साइन तो टू साइन है, कॉस है तो साइन टू है. ओके, सो दिस इज साइन अल्फा प्लस बीटा. सो वी हेयर वी हैव द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्सिस वी हैव. सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. तो ओनली वन चॉइस इज हियर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. तो नेक्स्ट में देखो, इफ द नॉर्मल टू द एलिप्स, नॉर्मल टू द एलिप्स 5x square plus 4y square is equal to 70 at point theta. Cuts the curve again at the point 2 theta. तो किस पॉइंट पे कट करता है, 2 theta पे कट करता है. Then cos theta किसके इक्वल है, आपको ये बताना है ना. तो देखो पहले आप इसको इलिप्स की इक्वेशन को कैसे लिख रहे हो. सो दिस इज 14 एंड y square अपॉन दिस इज 5 एंड दिस इज 1. ओके, सो वट इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द एलिप्स इन पैरामेट्रिक फॉर्म में. पैरामेट्रिक फॉर्म में आपके पास में किस फॉर्म में आता है वो, ए एक्स सेक थीटा प्लस उस पर माइनस बी वाई कोसेक थीटा, उस फॉर्म में लिखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू एलिप्स एट अंडर 14 cos theta and under 5 sin theta. Okay, so that we have here ax sec theta minus by cosec theta a square minus b square, that is 9. Okay, तो अब यहां से आप क्या करोगे, ये आपका normal का equation है at point what, root 14 cos theta root 5 sin theta. So this normal again meets the एलिप्स एट पॉइंट वट, किस पॉइंट पे मीट करता है, रूट 14 कोस 2 थीटा एंड रूट 5 साइन थीटा. सो दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई इट, इसको सेटिस्फाई करेगा बेटा. तो आपके पास में ए यहाँ पे क्या है, रूट 14 है. सो इसमें रूट 14 एंड एक्स क्या आ जाएगा, रूट 14 एंड सेक थीटा कोस 2 थीटा एंड वी हैव रूट 5. वाई की वैल्यू क्या, वट इज वैल्यू वाई, सो रूट 5 साइन थीटा साइन 2 थीटा, दिस इज टू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 9. ओके, तो इसको देखो आप किस फॉर्म में चेंज करो. तो इधर ये 14 आएगा, सो दिस वी कैन राइट डाउन हियर. सो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा, सो दिस इज 5 माइनस 5. तो इसको साइन थीटा को सीटा में चेंज करोगे तो हियर यू विल गेट 2 साइन, यहाँ पे साइन थीटा कोसेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में 2 कोस सीटा रहेगा. सो 2 कोस सीटा इज इक्वल टू 9. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज 28 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 14 एंड दिस वी हैव माइनस 10 कोस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज 9 कोस थीटा. ओके, तो आपके पास में ये किस फॉर्म में इक्वेशन बन गया, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं आगे. सो दिस वी हैव 14, सो दैट इज 18, 18 कोस स्क्वायर थीटा, 18 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 9 कोस थीटा एंड वी हैव माइनस 14 इक्वल टू 0. सो 18 14 जा, इसमें देखो आपके पास में 180 एंड दैट इज 72. सो दैट इज 252, ये 252 आ रहा है मल्टीप्लीकेशन. सो 21 एंड 12, सो इसके फैक्टर क्या हुए, 18 कोस के थीटा, वी हैव 21
कोस थीटा प्लस 12 कोस थीटा माइनस 14। ओके सो यहाँ पे आपके पास में मैं वैल्यू रखूँगा, इधर देखो इसमें से क्या इसके फैक्टर निकाल लो कितना आता है आपके पास में। सो दिस इज 3 कोस थीटा, सो हियर वी हैव 6 कोस थीटा एंड माइनस 7 एंड प्लस हियर वी हैव 2 6 कोस थीटा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो आपके पास में कोस थीटा की वैल्यू माइनस 2/3 और 7/6 आ रही है, सो 7/6 इज नॉट पॉसिबल, सो कोस थीटा वी हैव हियर cos थीटा इज इक्वल टू वी हैव माइनस 2/3। सो व्हाट इज द आंसर, तो थर्ड ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, लेट ए बी द वर्टेक्स, ए बी द वर्टेक्स एंड एल बी द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। तो सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस पैराबोला, सो द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स ए एज ए वर्टेक्स एंड 2l बी द, तो इसका वर्टेक्स आपके पास में देखो सिंपली आप इसका डिफरेंशिएशन करके निकाल सकते हो या इसको परफेक्ट स्क्वायर में बना लो पहले आप। सो ऐसा बना लिया हमने प्लस, सो इधर क्या हुआ 4x प्लस 7 प्लस 1, सो हियर वी हैव 4 दिस इज x प्लस 2। ओके सो y माइनस 1 होल स्क्वायर, सो व्हाट इज द वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या हुआ आपके पास में यहाँ पे, सो वर्टेक्स वी हैव हियर माइनस 2, 1। सो वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज सेम, ठीक है, एज ए वर्टेक्स। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इसका कितना आ रहा आपके पास में 4, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द रिक्वायर्ड पैराबोला दैट इज 8, सो 2l इज इक्वल टू वी हैव 8, क्लियर है। एंड द एक्सेस एट ए राइट एंगल टू दैट ऑफ द गिवन कर्व, सो अब इसमें क्या कह रहा है, एंड द एक्सेस इज एट राइट एंगल टू दैट ऑफ द पैराबोला। इसका आपके पास में देखो ये पैराबोला कैसा है, ये पैराबोला इस टाइप का है आपके पास में, इस टाइप का। सो दिस इज माइनस 2, 1 द शेप ऑफ दिस पैराबोला। नाउ द रिक्वायर्ड पैराबोला इज हैविंग द सेम वर्टेक्स बट एक्सिस ऑफ दैट पैराबोला इज परपेंडिकुलर टू दैट। वो पैराबोला ऐसा भी हो सकता है दैट मे बी इन दिस वे, आपके पास में दो टाइप का होगा। सो हेयर वी हैव वर्टेक्स इज माइनस 2, 1 बट एक्सिस इज हेयर एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। इसमें सर व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, हियर वी हैव 8 एंड वाई माइनस 1, दिस मे बी प्लस माइनस मे बी अपवर्ड डायरेक्शन और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एंड दिस इज 8y माइनस 8। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ रहा है आपके पास में देखो, सो यू विल गेट दिस सेकेंड ऑप्शन हियर। इफ यू टेक द नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन के साथ में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 8y, सो ये प्लस का हो जाएगा माइनस 4। सो विच ऑप्शन आर करेक्ट हियर, कौन कौन से ऑप्शन मिल रहे हैं बेटा आपको, एक तो फर्स्ट एंड सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सो टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट्स टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड नॉर्मल एट पॉइंट पी एंड क्यू, नॉर्मल एट पॉइंट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट आर ऑन द सेम पैराबोला, सेम पैराबोला पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द टी पी क्यू इज ए पैराबोला। तो देखो आपके पास में पैराबोला कैसा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो इसमें ए कितना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ए इज हियर बी है 1, सो दिस वी हैव द पैराबोला। अब इसमें देखो आपके पास में दीज आर दी टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू दिस पैराबोला टीपी, दिस इज टी, दिस इज पी क्यू। नाउ नॉर्मल एट दिस पॉइंट्स, इन पॉइंट्स पे जो नॉर्मल्स है दे मीट अगेन द पैराबोला एट पॉइंट आर, किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, पॉइंट आर पे मीट कर रहा है, ओके ये यहां पे। सो लेट्स अज्यूम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट बी t1 square 2t1 एंड पैरामेट्रिक फॉर्म में अज्यूम कर लिया, पैरामेट्रिक फॉर्म में, सो इट्स कोऑर्डिनेट्स भी है t2 square 2t1,
ओके. सो व्हेन द नॉर्मल ड्रॉन एट दिस पॉइंट्स पी एंड क्यू मीट अगेन द पैराबोला एट पॉइंट आर, वी नो द कंडीशन टी वन टी टू इज इक्वल टू हियर टू एंड सम ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ ऑल दीज थ्री पॉइंट्स इक्वल टू जीरो. ये आपके पास में इसका क्या है कोऑर्डिनेट्स हैं टी थ्री स्क्वेयर टू टी थ्री, इस फॉर्म में आ रहा है. सो नाउ यू नो दिस इज परपेंडिकुलर, दीज आर परपेंडिकुलर. नाउ सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल टी पी क्यू विल आल्सो पास थ्रू द, वो किस पॉइंट से पास होगा. नाउ व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट टी, यू नो दैट विल बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू. दिस विल बी हियर वी हैव टी वन टी टू, ओके, एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ द टू टी वन टी टू. सो दैट विल बी हियर वी हैव टी वन प्लस टी टू, ओके. सो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन गए आपके पास में, टी के कोऑर्डिनेट्स वी हैव टू माइनस टी थ्री, ओके. नाउ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल टी पी क्यू दैट विल पास थ्रू व्हाट, आपके पास में किस से पास होगा, दैट विल आल्सो पास द पास थ्रू द पॉइंट आर. वाई, बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री. सो टी आर विल एक्ट एज ए डायमीटर, डायमीटर ऑफ दिस सर्कल. तो वो इसके सर्कल का डायमीटर का काम करेगा, ऐसे आएगा एक सर्कल, ओके. सो अब क्वेश्चन में ये पूछा है इसमें, सो लोकस ऑफ द, लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द सर्कम सर्कल, लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ए ट्राइंगल ए टी पी क्यू इज ए पैराबोला. तो मैं इसका सेंटर क्या लेट कर लेता हूं, लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी एच कोमा के. इसका लोकस अपने को फाइंड आउट करना है. सो लेट सेंटर ऑफ सर्कल भी है, सेंटर ऑफ सर्कल भी है एच कोमा के, इस फॉर्म में. सो एच कोमा के इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, किसका मिड पॉइंट है, सो टी आर का. सो एच इज इक्वल टू, वी हैव एच इज इक्वल टू, वी हैव टी थ्री स्क्वेयर प्लस टू अपॉन, हियर वी हैव टू. सो हियर वी हैव टू एच टी थ्री स्क्वेयर प्लस टू, ओके. नाउ मिड पॉइंट ऑफ, सो हियर वी हैव माइनस टी थ्री प्लस टू थ्री, ये आएगा माइनस टी थ्री प्लस टू टी थ्री अपॉन टू, दैट विल बी इक्वल टू के. तो के के इक्वल आ गया. सो यहां से टी थ्री की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, टी थ्री इज इक्वल टू वी हैव टू के. सो पुट दिस वैल्यू ऑफ टी थ्री हियर, यू विल गेट द लोकस. यहां से आपके पास में दिस विल गिव दी, हियर वी हैव फोर के स्क्वेयर प्लस टू, इस फॉर्म में आ रहा है. बोलो अब नाउ व्हाट इज द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल टी पी क्यू इज ए पैराबोला. तो पैराबोला आ रहा है, तो देखो आपके पास में क्या आ रहा है, टू वाई स्क्वेयर, हियर वी हैव एक्स प्लस टू, इस फॉर्म में आ रहा है. अब वो इसमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, सो वन आ गया, सॉरी वन वन, व्हाट इज द वर्टेक्स. सो वाई स्क्वेयर वी हैव वन अपॉन टू एंड एक्स प्लस वन. सो वर्टेक्स वी हैव हियर, वर्टेक्स क्या हो गया आपके पास में, माइनस वन कोमा जीरो, ओके. तो यहाँ से आपके पास से माइनस टू आएगा, सॉरी माइनस का आएगा, ये माइनस का वन, ये माइनस का वन. सो हियर वी हैव वर्टेक्स इज द वन कोमा जीरो, वर्टेक्स आपके पास में वन कोमा जीरो आ रहा है, ओके. तो इसको थोड़ा सा यहाँ से, तो इस फॉर्म में आएगा ना इधर. सो वी हैव हियर दिस इज एक्स माइनस वन, सो वर्टेक्स वी हैव वन कोमा जीरो. एक तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया. नाउ व्हाट इज द फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यू हैव टू टेल हियर व्हाट. सो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो यहां से बेटा इसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या आ रहा है, वन अपॉन टू आ रहा है. सो बट वन अपॉन फोर इज नॉट ए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ओके. तो अब इसमें देखो आगे और क्या क्या पूछा है इसमें. कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, सो व्हाट इज ए, ए इज हियर वी हैव, ए वी हैव वन अपॉन एट. सो फोकस विल बी हियर विल बी इक्वल टू, सो वन प्लस वन अपॉन एट कोमा जीरो, ये फोकस रहेगा आपके पास में. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस वी हैव हियर नाइन बाई एट कोमा जीरो. सो फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालना है. सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, हियर वी हैव, सो वैल्यू ऑफ ए इज ये वन अपॉन एट, डायरेक्ट्रिक्स वी हैव, डायरेक्ट्रिक्स आपके पास में क्या है यहाँ पे,
here we have x plus a, so x minus 1 plus 1 by 8 equal to 0. Okay, so this will be here, kis form mein aa raha hai, this is 7 by 8. So foot of directrix bhi hai, foot of directrix aapke paas mein aisa rahega, ye aapke paas mein vertex kya 1, 0, aise 1, 0. तो डायरेक्ट्रिक्स इधर आएगी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 7/8, 0. ओके, सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, वी हैव 7/8, 0. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी सिंपल, पी एंड क्यू बी नॉन जीरो रियल नंबर्स, देन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स. तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, तो देखो इसमें टू स्ट्रेट लाइंस एंड ए सर्कल व्हेन आर इज इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू, पी क्यू आर ऑफ अपोजिट साइन. सो नो वी नो दैट दिस इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट ए सर्कल, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी. इफ यू हैव आर इज इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू आर ऑफ अपोजिट साइन, सो दैट रिप्रेजेंट द टू स्ट्रेट लाइन, वो दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी. सो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, क्यों, देखो इसमें P और Q की अपोजिट साइन के है, तो जैसे देखो मैं ऐसे ले लेता हूं, ये x स्क्वायर माइनस 2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइंस. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू सर्कल्स व्हेन P इज इक्वल टू Q, P इज इक्वल टू एंड R इज साइन अपोजिट टू दैट ऑफ P, तो आपके पास से P और Q क्या है, ऑफ सेम साइन है एंड साइन ऑफ R इज अपोजिट टू दैट ऑफ P, तो आपके पास में R का, जैसे P और Q तो पॉजिटिव है, आपके पास में R का साइन क्या है, नेगेटिव आएगा. सो जैसे इसे P एंड Q आर इक्वल, सो सपोज करो x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर एंड माइनस 3, ऐसे ले लिया. तो मैंने कैसा लिया इक्वेशन, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, तो माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द सर्कल, सो सेकंड इज ऑप्शन आल्सो करेक्ट, सो सेकंड इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट द सर्कल. तो नेक्स्ट वन, ए हाइपरबोला एंड ए सर्कल व्हेन पी एंड क्यू आर ऑफ अपोजिट साइन, पी एंड क्यू आर ऑफ अपोजिट साइन, आर ऑफ अपोजिट साइन एंड आर इज नॉट इक्वल टू 0, तो वेरी सिंपल, सो दिस ऑलवेज रिप्रेजेंट दी हाइपरबोला. तो देखो आपके पास में एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड आर इज नॉट इक्वल टू, तो ऐसी इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, दिस ऑलवेज रिप्रेजेंट दी हाइपरबोला. ओके, तो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. सो फोर्थ ऑप्शन देखें, ए सर्कल एंड एन एलिप्स व्हेन पी एंड क्यू आर अनइक्वल बट ऑफ सेम साइन, तो सेम साइन के आइदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव, बट आर इज ऑफ साइन अपोजिट टू दैट ऑफ द साइन ऑफ पी एंड क्यू, पर पी और क्यू के अपोजिट साइन का होगा, जैसे पी और क्यू पॉजिटिव हो गया, आर तो नेगेटिव हो गया, सो बट पी एंड क्यू आर नॉट इक्वल, न्यूमेरिकली इक्वल नहीं है, मतलब सो दे आर अनइक्वल, एक 2 हो गया, एक 5 हो गया. ओके, आर के आपके पास में नेगेटिव होगा, सो देन दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द एलिप्स, सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द एलिप्स एंड सर्कल एज वेल एज, सो फोर्थ ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपके पास में क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल एट वन एक्सट्रीमिटी ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, सो नॉर्मल एट द वन एक्सट्रीमिटी ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स मीट्स द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को मीट करती है, ठीक है, एट पॉइंट पी एंड क्यू. अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आगे अगर पी ऐसा हो 6/3/2, दिस इंप्लाइज दैट द क्यू मस्ट बी दिस वन. एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, यू नो द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिस इज रूट 2, ये तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. फिर नेक्स्ट वन, इफ पी यू हैव ऑफ दिस टाइप, अगर पी इस टाइप का है तो देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू मस्ट बी दिस. फिर आपके पास में ओ इज द ओरिजिन, देन प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ ओ पी एंड ओ क्यू इज पॉजिटिव, तो ओ पी और ओ क्यू के जो आपके पास में स्लोप्स का प्रोडक्ट है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो अपने देखो किस फॉर्म में है, तो यहाँ पे एक तो हाइपरबोला क्या दे रखा है, एक्स वाई इज इक्वल टू 9 एंड इक्वेशन ऑफ लिप्स, सो वी हैव दिस वन. ओके, अब इसमें देखो किस तरीके से अपने को इसको ले लेते हैं कि नॉर्मल ड्रॉन एट द वन एक्सट्रीमिटी ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, सो बी स्क्वायर
upon A. So you know the A E comma B square upon A. These are the coordinates of the one end of the lattice rectum. Okay. तो देखो अब इसमें सो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट दिस पॉइंट सो यू नो द नॉर्मल टू द इलिप्स वी हैव एट एनी पॉइंट दैट इज ए स्क्वायर एक्स अपॉन वी हैव एक्स वन तो देखो ये इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लिखेंगे पहले ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन एंड बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यू कैन राइट ऑन ए स्क्वायर ई स्क्वायर इस फॉर्म में लिख सकते हैं सो पुट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ हियर हियर ए स्क्वायर एक्स हियर वी हैव ए ई माइनस बी स्क्वायर वाई एंड वाई वन वी हैव बी स्क्वायर अपॉन ए सो दिस इज ए स्क्वायर ई स्क्वायर ओके इस फॉर्म में आ गया तो अब अपने पास में देखो अब वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अब आपके पास में मीट्स द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल टू नाइन इसको मीट कर रहा है तो देखते हैं अब इसमें क्या है पुट एक्स वाई इज इक्वल टू वी हैव नाइन सो वाई इज इक्वल टू नाइन बाई एक्स इसमें रख दिया ओके तो आपके पास में देखो किस फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं इसको सिंप्लीफाई कर लिया अब इधर आपके पास में दिस इज ए सो वी हैव ए एक्स अपॉन ई सो पुट द वैल्यू ऑफ वाई हियर y की वैल्यू इसमें रख दी मैंने तो आपके पास में ये a ऊपर चला जाएगा सो वी हैव हियर a एंड 9 9a अपॉन x इस फॉर्म में आ रहा है दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर बोलो इस फॉर्म में है a x अपॉन e माइनस 2a अपॉन x इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर अब इसमें देखें आपके पास में क्या बनता है ये x में जैसे क्वाड्रेटिक बन गया यहाँ पे x में क्वाड्रेटिक बन गया तो इसको जब अपने सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो इसमें क्या आ रहा है ए x स्क्वायर माइनस 9 ए ई एंड दिस वी हैव हियर ए स्क्वायर ई स्क्वायर ई क्यूब आएगा एंड दिस इज x सो वी हैव ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना आ जाएगा आपके पास में माइनस ए स्क्वायर ई क्यू एक्स एंड माइनस 9 ए ई इक्वल टू जीरो ओके तो यहां से आपके पास में देखो अगर मैं वो कहता हूं जैसे देखो इलिप्स पे जो नॉर्मल है किसी पॉइंट पे ठीक है ना सो नॉर्मल एट द एंड्स ऑफ द लेट्स रेक्टम क्लियर है तो आपके पास में ये इस तरीके से अब वो ये कह रहा है कि आपके पास में क्वेश्चन में क्या है तो मीट्स द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को किस पॉइंट पे मीट कर रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा आ गया ये आपके पास में इधर इस तरीके से आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये आएगा इस पॉइंट पे मीट कर रहा है ओके तो देखो ये पॉइंट अपने सपोज करो क्या है x1 y1 है और ये पॉइंट क्या है x2 y2 है इस फॉर्म में तो यहां से मेरे पास में देखो प्रोडक्ट ऑफ x1 x2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सो x कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज टू पॉइंट्स ये पॉइंट्स p और q पे मीट कर रहे हैं ना ओके नॉर्मल एट पॉइंट एंड ऑफ द लेटेस रेक्टम मीट्स दिस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एट पॉइंट p एंड q इनके दोनों के x कोऑर्डिनेट भी है द x1 x2 द प्रोडक्ट will be here we have minus 9 ae upon a so this we have किसके इक्वल आ रहा आपके पास में 9 e इस फॉर्म में आ रहा है 9 a माइनस का क्लियर है तो अब ऐसे ही फिर आपके पास में क्या है y1 y2 y1 y2 क्या आएगा आपके पास में y1 y2 so we have here 9 upon x1 into 9 upon x2 इस फॉर्म में आएगा सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 x2 वी पुट हियर x1 x2 की वैल्यू यहां रख देंगे सो y1 y2 वी हैव हियर सो y1 y2 वी हैव हियर सो दिस विल बी 81 x1 x2 माइनस 9 e सो ये आपके पास में किस फॉर्म में आ गया 9 माइनस 9 अपॉन e
अब देखो इसमें क्वेश्चन में एक फोर्थ पार्ट दे रखा आपको, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ ओपी एंड ओक्यू, यू हैव टू शो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ द ओपी एंड ओक्यू मस्ट बी, क्या चेक करना है कि पॉजिटिव आता है कि नहीं आता. व्हाट इज द स्लोप ऑफ एम ओ पी एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ ओ क्यू. सो इसका स्लोप आपके पास में क्या आएगा, वाई वन अपॉन एक्स वन, उसका स्लोप वाई टू अपॉन एक्स टू. तो सिंपली आपको यहाँ पे वैल्यू डालनी है. सो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ, हियर वी हैव, इसकी वैल्यूज क्या क्या आ रही है, वाई वन वाई टू वी हैव माइनस नाइन अपॉन ई, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वन एक्स टू, सो क्या आ रहा है आपके पास में, माइनस वन अपॉन नाइन ई. सो दिस वी आर गेटिंग हियर, किसके इक्वल आ रहा है, तो देखो आपके पास में वाई वन अपॉन वाई वन वाई टू किसके इक्वल आ रहा है, माइनस नाइन अपॉन ई. सो नाउ व्हाट इज द एक्स वन एक्स टू वी हैव, सो वन अपॉन एक्स वन एक्स टू वी हैव विल बी इक्वल टू माइनस वन अपॉन नाइन ई. सो ये आपके पास में ये नेगेटिव नाइन नाइन कैंसिल हो जाएगा, ओके. सो वी विल गेट हियर ई स्क्वेयर. सो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ द ओपी एंड ओक्यू इज पॉजिटिव, दिस इज ग्रेटर देन जीरो, ओके. अब इसमें एक ऑप्शन आपको ये दे रखा है, तो देखो और ऑप्शन क्या दे रखा है इसमें देखें, तो ऑप्शन में क्या है, इफ पी, अगर पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आपके पास में, सिक्स है, सो व्हाट कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू यू विल गेट, एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास में क्या आता है वो चेक कर लेते हैं ना. देखो अब इसमें अगर पी का एक्स कोऑर्डिनेट यहां पे डालो, इफ यू पुट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ हियर पी, सो दैट इज सिक्स, सिक्स आता है आपके पास में ना. तो देखो आपके पास में उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है वो देख लेते हैं ना. तो देखो इधर, तो मेरे पास में ये देखो, यहां पर आपके पास में पी का वाई कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आता है, तो इसमें देखो आपने जब एक्स कोऑर्डिनेट डालेंगे, इधर देखें, इसमें मैंने बोला कि P का जब आप X कोऑर्डिनेट डालोगे तो Q का X कोऑर्डिनेट क्या आता है. सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ रहा है आपके पास में, X1 X2 भी है, माइनस नाइन ए ई अपॉन ए, ये कैंसिल हो गया. अब मैं इसमें देखो X की वैल्यू क्या है, X1 की, एक X1 की, अगर मैं P का X कोऑर्डिनेट, P का X कोऑर्डिनेट क्या है, X1 है, यहाँ पे 6 डालूंगा, तो व्हाट इज द, दिस इज 6 X2 एंड माइनस 9 ई. So we are getting here x2 is equal to minus 3e upon 2. आपके पास में इसका q का x कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है हमारे पास में, माइनस थ्री ई अपॉन टू, ओके. सो अब देखो इसमें हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इससे आपके पास में सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, पुटिंग द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p इन व्हाट, y1 y2, सो यू विल गेट वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू. तो हमने जब आपने क्या है, एक्स वन एक्स टू में जब हमने क्या किया, पी का एक्स कोऑर्डिनेट रखा, तो वी हैव ऑब्टेंड हियर द वाई एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, ओके. ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन और करेक्ट हो गया यहां पे. तो ये करेक्ट हो गया. अब आपके पास में देन प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ ओपी एंड ओक्यू, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ओके. सो एंड सो ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन वी हैव टू, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला, फोकाई ऑफ द हाइपरबोला एंड फोकाई ऑफ द इलिप्स कोइंसाइड विद द, मतलब दे आर कोइंसाइडिंग, इसकी जो फोकाई है वो इसके साथ में कोइंसाइड कर रही है. एस वन एंड एस टू आर द फोकाई ऑफ इलिप्स एंड ई वन ई टू आर द सेंट्रिसिटी ऑफ द टू कॉनिक सेक्शन. सो ईवन ए टू क्या आपके पास में, दीज आर दी सेंट्रिसिटी ऑफ दी बोथ कॉनिक सेक्शन. अब इसमें देखो अपने को पहले क्या करना है, इसको देखो किस फॉर्म में लिख देते हैं, एक्स स्क्वेयर अपॉन 144 अपॉन 25 एंड माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन, हियर वी हैव 81 अपॉन 25, दिस इज इक्वल टू 1, 1 के इक्वल है. सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ये एलिप्स का इक्वेशन आ गया, ओके. तो अब अपने को देखो यहां से बी की वैल्यू निकालनी है, एंड प्रोडक्ट ऑफ दी फोर टाइम्स दी प्रोडक्ट ऑफ दी एसेंट्रिसिटी ऑफ बोथ, दोनों का एसेंट्रिसिटी का प्रोडक्ट का फोर टाइम्स करना है. तो
फिर आगे डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड वन एंड ऑफ द माइनर एक्सेस ऑफ द इलिप्स इज 5. सो द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड नियरर एंड ऑफ द मेजर एक्सेस ऑफ द इलिप्स इज 2. तो देखो किस तरीके से करेंगे. अब इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं. अब मेरे को बताओ एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला. सो दैट विल बी हैव E1. तो सिमिलरली सो सिंपल दिस इज इक्वल टू 1 + 81/144. ये आएगा. सो दिस वी हैव इक्वल टू 15/12. सो दिस फर्दर यू कैन राइट ऑन दिस वी हैव 5/4. एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला वी हैव. सो व्हाट इज द ए स्क्वेयर हिज वी हैव. ए स्क्वेयर वी हैव आपके पास में क्या आ रहा है. ए स्क्वेयर वी हैव हेयर. सो दिस इज 12/144/25. सो ए इज इक्वल टू 12/5. ये इस फॉर्म में आ गया. ओके सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द फोकाई ऑफ बोथ आर सेम. क्लियर है. तो आपके पास में इसकी सेंट्रिसिटी वी हैव हेयर ए इज वी हैव 5 एंड इसकी सेंट्रिसिटी में क्या लेट कर लेता हूँ यहाँ से इसकी सेंट्रिसिटी वी हैव E2. ठीक है. तो इसकी गिवन है वो सेंट्रिसिटी इसकी आपके पास में. सो व्हाट आर इट्स फोकस. फोकस ऑफ दिस हाइपरबोला भी है. सो ए ई इसका देखो ए ई 1.0. सो व्हाट विल द फोकाई हेयर वी हैव. सो दिस इज ए 12/5 एंड दिस इज 4/5/4.0. सो दिस वी हैव 3.0. सो फोकाई ऑफ हाइपरबोला वी हैव 3.0. सो व्हाट आर द फोकाई ऑफ दिस वी हैव ए ई 2.0. सो दे आर सेम. सो वी हैव यहाँ पे आपके पास है 5 इसके रख देंगे तो 5E2. सो दिस वी हैव इक्वल टू व्हाट 3. सो E2 वी हैव इक्वल टू वी हैव 3/5. ओके सो इफ यू टेक द प्रोडक्ट ऑफ E1 एंड E2. सो प्रोडक्ट ऑफ E1 E2 वी हैव इक्वल टू व्हाट. व्हाट इज E1 5/4 एंड दिस इज 3/5. सो दिस वी हैव 4E1 E2 इक्वल टू व्हाट वी हैव 3. एक ऑप्शन तो आपके पास में ये हो गया. ओके नाउ वंस यू नो E2 एंड A ऑफ दिस एलिप्स यू कैन फाइंड आउट द बी स्क्वायर. सो व्हाट इज द बी स्क्वायर वी हैव हियर. बी स्क्वायर आपके पास में क्या आ जाएगा. ए स्क्वायर 1 - E2. ओके सो पुट द वैल्यू ऑफ हियर ए स्क्वायर. ए स्क्वायर वी हैव 25 एंड व्हाट इज द ई हियर. सो दिस इज व्हाई वी हैव 16/25 और दिस इज 25. सो बी इज इक्वल टू 4. ओके तो बी की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई 4 आ गई. अब देखो इसमें ऑप्शन क्या क्या पूछ रहा है तो देखते हैं थोड़ा सा. तो ऑप्शन में क्या क्या आपके पास है. बी इज इक्वल टू 4 दिस ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड वन एंड ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स. सो मैंने अभी आपके पास में फोकस भी निकाला है इसमें. ओके सो यू नो द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड वन एंड ऑफ द माइनर एक्सिस यू नो क्या होता है. डी ए दिस इज इक्वल टू ए. ए के इक्वल होता है. ओके सो दिस वी नो. सो डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड वन एंड ऑफ द माइनर एक्सिस इज ऑल्सो 5. ओके सो दिस थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड nearer end of the major axis. So we have found here A is equal to we have this its focus we have. इसका focus मैंने निकाला था 3.0. इसका focus क्या है 3.0. And what are the coordinates of this we have 5.0. So what is the distance between the focus and nearer end of the major axis we have 2. So fourth option is also correct. So answer to this question we have first, second, third and fourth. All options are correct here. तो next देखें अब इसमें. तो if the equation of the hyperbola is x² - 4y² - 2x + 16y - 11 = 0. So you have to answer all this. Very simple question है. तो देखो आपके पास में क्या है. Center you have to tell. So center simply you have to differentiate partially. Partially differentiate करो. You can find out the center. So eccentricity you can find out, vertex you can find out. Okay, तो देखो अब इसमें क्या है.
पहले आप इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में बना लें, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स दिस प्लस वन एंड माइनस फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई। ओके, तो यहाँ से आपके पास में इसे फोर ऐड करेंगे, फोर ऐड किया सो माइनस फोर भी करना भी तो पड़ेगा, इसमें प्लस का सिक्सटीन आ जाएगा इधर सिक्सटीन एंड वी हैव हियर इलेवन एंड प्लस वन इज आल्सो हियर। सो व्हाट इज द इक्वेशन यहाँ पे क्या किस फॉर्म में बन गया इसका हाइपरबोला का, वेरी सिंपल फोर वाई माइनस टू होल स्क्वायर एंड दिस वी हैव ट्वेल्व माइनस सिक्सटीन। सो क्या बन गया इक्वेशन, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर अपॉन वी हैव माइनस फोर, इधर माइनस फोर आ जाएगा, इधर भी है वाई माइनस टू प्लस का आ जाएगा अपॉन वन दिस वन। सो व्हाट इज द सेंटर, सेंटर वी हैव, सेंटर आपके पास में क्या आ गया इसमें, तो सेंटर वी हैव हियर फर्स्ट वन। सो दिस इज हाइपरबोला ऑफ दिस टाइप, कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो गया, कॉन्जुगेट हाइपरबोला इस टाइप का हाइपरबोला हुआ। सो व्हाट इज द एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी यू नो हियर वी हैव वन प्लस दिस विल बी हेयर बी स्क्वेयर, अब ये हो गया आपके पास में दिस इज फोर अपॉन वन दिस इज रूट फाइव। ओके, सो एसेंट्रिसिटी वी हैव हियर रूट फाइव, सो वन वर्टेक्स, सो सेंटर यू नो सो यू हैव टू टेल इट्स वन वर्टेक्स, तो वन वर्टेक्स क्या आएगा आपके पास में वो देख लेते हैं। इसमें क्या करोगे आप, सो इस ट्रांसवर्स एक्सिस वी हैव एक्स इज इक्वल टू वन, सो इसमें एक्स इज इक्वल टू वन डाल दो तो व्हाट वी हैव, तो वन वर्टेक्स यू कैन फाइंड आउट, इसका वन वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट्स आप निकाल लोगे, इसमें जीरो के इक्वल रखोगे वाई माइनस टू होल स्क्वायर दिस इज वन एंड वाई माइनस टू इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, सो हियर वी हैव थ्री एंड माइनस वन वन, सो वन वर्टेक्स वी हैव हियर थ्री वन कोमा थ्री। ओके, और वन कोमा वन, वन कोमा वन, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एम वन एंड एम टू आर द स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वेंटी फाइव माइनस वाई स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन विच पास थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास होता है, सिक्स कोमा टू से पास होता है, क्लियर है। सो वेयर एम वन एंड एम टू आर द स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट्स, सो सिंपली यू नो द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला, वी कैन राइट डाउन एम एक्स माइनस वाई प्लस माइनस अंडरूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दैट पास थ्रू द दिस पॉइंट यू विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एम, सो उसके अपने रूट सेलेक्ट कर लेंगे एम वन एम टू, तो देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सो एम एक्स माइनस वाई प्लस माइनस अंडरूट हियर वी हैव ट्वेंटी फाइव एम स्क्वायर माइनस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो, यह आएगा। तो अब आपके पास में दिस पास थ्रू दिस पॉइंट सिक्स कोमा टू, सिक्स कोमा टू, तो यहाँ से आपके पास में सिक्स एम माइनस टू इसका स्क्वेयर करेंगे सो हियर वी हैव ट्वेंटी फाइव एम स्क्वायर माइनस सिक्सटीन, तो इसको सिंप्लीफाई किया आपके पास में थर्टी सिक्स इलेवन एम स्क्वायर इस फॉर्म में आएगा, सो माइनस ट्वेंटी फोर एम हो गया एंड दिस विल बी हैव फोर, सो फोर प्लस का इधर ट्वेंटी आएगा सो वी हैव ट्वेंटी ओके इक्वल टू जीरो। सो इस फॉर्म में आपके पास में सो एम वन एम टू आर द स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट्स, एम वन एम टू ओके, सो सम ऑफ द रूट्स क्या आ रहा है, सम ऑफ द रूट्स वी हैव एम वन प्लस एम टू, सो दिस वी हैव ट्वेंटी फोर अपॉन इलेवन एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सो वी हैव ट्वेंटी अपॉन इलेवन, तो सिंपली आपको यहाँ पे वैल्यू डालना है तो आपके पास में क्या आ रहा है, दिस इज ट्वेंटी फोर अपॉन ट्वेंटी, तो आपको इसको लोएस्ट फॉर्म में यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्लियर है। तो देखो आपके पास में दिस विल गिव दी, सो दिस इज कैंसल्ड बाई वट फोर, दिस इज सिक्स अपॉन फाइव, सो वी हैव ए प्लस बी इज इक्वल टू इलेवन, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव द इलेवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ द कोड विद मिड पॉइंट थ्री कोमा वन पॉइंट टू इज ड्रॉन टू द इलिप्स, इस इलिप्स पे ड्रा की जाती है ना, तो देन डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम इट इज एम अपॉन रूट एन,
सो इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड हुज मिड पॉइंट यू नो, सो टी इज इक्वल टू एस वन, ये फार्मूला लगा दो. सो क्या आएगा आपके पास में, थ्री एक्स, टू एक्स प्लस थ्री, एंड दिस वी हैव टू वाई इज इक्वल टू, पुट द कोऑर्डिनेट्स हियर, नाइन, सो हियर वी हैव ट्वेल्व, एंड फोर, दिस विल बी वन. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कोड. सो व्हाट इज द इक्वेशन वी हैव हियर, एक्स प्लस टू वाई एंड माइनस सिक्स, माइनस सिक्स, दिस इज वी हैव टेन. तो इधर से आपके पास में माइनस सिक्स आएगा, इधर से आपके पास में क्या आ रहा है, माइनस टू आ रहा है, तो माइनस सिक्स, एंड दिस वी हैव टेन माइनस ट्वेल्व, तो दिस माइनस टू, सो दिस वी हैव माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो. सो डिस्टेंस ऑफ दिस कोड फ्रॉम द ओरिजिन भी है, तो क्या डिस्टेंस रहेगा यहाँ पे, फोर अपॉन रूट फाइव. ओके, तो आपको इसी फॉर्म में लेना है. सो वी हैव हियर, सो एम इन टू एन दैट इज ट्वेंटी, आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव ट्वेंटी. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. इस क्वेश्चन में देखो आपके पास में एक्स स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन नाइन वन इज इक्वल टू वन हैज टू कॉन्जुगेट डायमीटर्स सच दैट द ए, सो दिस इज ए एलिप्स, सो वी नो दैट दीज आर द टू कॉन्जुगेट डायमीटर्स. ओके, ये दो कॉन्जुगेट डायमीटर्स हैं. सो देन क्वेश्चन में पूछ रहा है इफ द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स ड्रॉन एट दिस कॉन्जुगेट. सो वी नो दैट द टेंजेंट यहाँ पे ड्रा करोगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करेंगे, सो हियर वी हैव दिस विल बी ए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, सो एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज इक्वल टू दैट इज कॉन्स्टेंट फोर ए बी. ओके, सो ये आपके पास में जैसे देखो एक ये आपके पास में ऐसे ट्रायंगल बनेगा. ओके, तो आपके पास में ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे आपके पास में, हियर वी हैव दिस इज ए, इधर आपके पास में बनेगा, इधर बनेगा, तो इसमें क्या आएगा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी ए बी अपॉन टू. तो यहाँ पे आपके पास में कितने ट्रायंगल आपके पास में, सो आठ ट्रायंगल है, दो इधर से, दो इधर से, दो इधर से, एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल विल बी, एरिया ऑफ ऑल दिस ट्रायंगल्स विल बी इक्वल, सबका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा. ओके, सो एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल विल बी फोर ए बी, तो आपके पास में डेल्टा इज इक्वल टू वी हैव, सो दिस इज फोर ए, व्हाट इज ए, ए फोर, एंड व्हाट इज बी, दिस इज थ्री, अपॉन वी हैव दिस अपॉन एट. ओके, सिक्सटीन दिस इज सिक्स, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव सिक्स. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो फोर्थ क्वेश्चन देखें अब इसमें क्या है, इफ द सेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इसकी सेंट्रिसिटी आपके पास में इस फॉर्म में दी हुई है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, देन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी. आपके पास में एक्चुअल में ये जो एलिप्स है दिट इज क्या है, ओब्लिक एलिप्स हुज एक्सेस आर मेजर एक्सेस एंड माइनर एक्सेस आर नॉट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सेस. तो देखो आपके पास में इस टाइप का एलिप्स बन गया है, सेंटर इसका क्या है, सेंटर बेटा इसका क्या है, ओरिजिन है. अब इसमें देखो आपके पास में यहां पर मैं कोई पॉइंट लेट कर लेता हूं, डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ द एलिप्स इज आर एंड दिस एंगल इज थीटा, सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा. आर आपका जहां पे मैक्सिमम होगा कोरस्पोंडिंग टू दैट यू विल गेट सेमी मेजर एक्सिस, एंड आर जहां पे आपका मिनिमम होगा, ठीक है, यू विल गेट द लेंथ ऑफ दिस सेमी माइनर एक्सिस. तो देखो दिस पॉइंट आर कॉस थीटा आर साइन थीटा लाइज ऑन दिस एलिप्स, इस पे लाई कर रहा ना, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आपके पास में आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस हियर वी हैव टू साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू वन. अब आपके पास में आर स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन वी हैव हियर वन प्लस कॉस टू थीटा, ठीक है ना, अपॉन टू, यहाँ पे साइन टू थीटा, इधर क्या आ रहा है वन माइनस कोस टू थीटा अपॉन टू. ओके, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो किस फॉर्म में रहेगा आपके पास में, तो इधर से आपके पास में वन माइनस कोस टू थीटा, इधर क्या आया, इधर टू आएगा,
तो यहाँ से वन माइनस कोस टू थीटा, ये दिस इज वन माइनस कोस टू थीटा. तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे सो यू विल गेट टू, हियर वी हैव दिस इज थ्री एंड प्लस टू साइन टू थीटा माइनस कोस टू थीटा. अब देखो जहां पे ये मैक्सिमम होगा कोरस्पोंडिंग टू दैट यू विल गेट दिस सेमी माइनर एक्सेस. तो आर स्क्वेयर मिनिमम, आर स्क्वेयर मिनिमम कहां पे आपके पास में इट्स मिनिमम वैल्यू भी है. तो ये जहां पे मैक्सिमम होगा, जहां पे मैक्सिमम होगा यू विल हैव द आर स्क्वेयर मिनिमम. सो टू अपॉन हियर वी हैव थ्री प्लस रूट फाइव. ओके सो दिस यू फर्दर कैन राइट ऑन थ्री माइनस रूट फाइव अपॉन टू. सो दिस भी है बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर आ गया. जब ये मिनिमम होगा तो आर स्क्वेयर विल बी मैक्सिमम, कोरस्पॉन्डिंग टू दैट वी हैव आर स्क्वेयर मैक्सिमम. सो दैट वी हैव टू अपॉन बी है, सो दैट विल बी इक्वल टू थ्री माइनस रूट फाइव. सो कोरस्पॉन्डिंग टू दिस वे है, यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा थ्री प्लस रूट फाइव अपॉन टू. सो दिस इज वी हैव ए स्क्वेयर. अब अपने को ये ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर पता लग गया, कैन यू कैन फाइंड आउट द एसेंट्रिसिटी. एसेंट्रिसिटी विल बी गिवन बाय अंडरूट वन माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर. इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पे वैल्यू पुट करके तो यू विल गेट हियर. सो ये आपके पास में इधर थ्री प्लस रूट फाइव है और इधर थ्री माइनस रूट फाइव है, तो इसमें वैल्यू डालोगे तो यू विल हैव हियर टू रूट फाइव, टू रूट फाइव अपॉन थ्री प्लस रूट फाइव. तो इसको कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू टू, बी इज इक्वल टू थ्री, सो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी है फाइव. ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. ए नॉर्मल, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, ए नॉर्मल टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन फोर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन हैज इक्वल इंटरसेप्ट्स, इंटरसेप्ट्स ठीक है ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इफ द नॉर्मल टच द, नॉर्मल किसको टच करता है, इसको टच करता है ना. सो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 अपॉन 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यू नो द लाइन विच मेक्स द इक्वल इंटरसेप्ट ऑन बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, द स्लोप विल बी हियर माइनस वन. तो माइनस वन रहेगा. तो पहले अपने देखो सपोज करें तो इसमें देखो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू दिस हाइपरबोला इन पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख लेते हैं ना. सो दैट विल बी हियर ए एक्स कोस थीटा माइनस, तो आपके पास में प्लस का हो जाएगा प्लस बी वाई. हियर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टू द हाइपरबोला इन पैरामेट्रिक फॉर्म दैट विल बी हियर वी हैव सो टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई कॉट थीटा ऐसा आएगा. सो हियर वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज फाइव इस फॉर्म में. सो 2x cos theta plus y cot theta is equal to 5. So which makes the equal intercept on, so we have here slope iska minus 2 cos theta upon cot theta equal to what we have minus 1. So sin theta you have 1 upon 2. So aapke paas mein us normal ka slope kya aagaya, aapke paas mein 1 upon 2 aagaya, which makes the equal intercept. तो आपके पास में थीटा यहाँ पे आपके पास में 30 डिग्री या 150 डिग्री होगा. ओके तो साइन थीटा यू नो सो यू कैन थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास में यहाँ पे, या तो 150 ले सकते हो आप या 30 डिग्री ले लेते हो. यहाँ पे क्या 30 डिग्री रखा तो यू विल हैव हियर रूट एक्स प्लस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव. अब ये किसको टच करती है, दिस टचेस द व्हाट, एलिप्स, एलिप्स को टच कर रही है. तो आपको कंडीशन लगानी है, सिंपल यहां पे कंडीशन लगानी है. सो वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस फाइव अपॉन रूट थ्री वाई, रूट थ्री फाइव मतलब क्या माइनस एक्स प्लस फाइव अपॉन रूट थ्री. तो साइन थीटा आपके पास में द एसेंट्रिक एंगल हो गया एट दैट पॉइंट, नॉट ए स्लोप. ये साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टू. तो लाइन इज मेकिंग हियर, स्लोप इज, स्लोप इज ऑफ द टेंजेंट इज बी है माइनस वन. So theta is the eccentric angle. So line touches the this ellipse. So then we have c square is equal to a square m square plus b square. So this is 25 upon 3. So what is a square? A square we have simple a square and m you know for the. So this m ये आपके पास में कितना आ रहा है इसमें? तो ये
स्लोप हियर माइनस वन, सो वी हैव हियर व्हाट इज बी, दैट इज बी स्क्वायर. ओके, तो आपके पास में स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, सो दिस इज द नॉर्मल टू दिस हाइपरबोला एंड दिस इज टेंजेंट टू दिस एलिप्स. सो वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वी हैव 25 अपॉन 3. ओके, किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को यहाँ पे? सो इसको देखो, 9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 25, दिस विल बी इक्वल टू 3. ऐसा ही आएगा. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव द 3. ओके, तो ये बेटा आपके पास क्या है था, ये एडवांस के पेपर का सॉल्यूशन था जिसमें आपके 15 क्वेश्चन थे. ओके, थैंक यू.